नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं एक बार फिर आपके साथ हूं, आपका अपना राजकीय वर्मा रिपोर्टर जी से। और लगातार अब हमने जो पहले से प्लान किया था कि हर रोज कोशिश करेंगे कि एक घंटा हम आपके साथ अलग अलग मुद्दों पर लाइव जुड़े। अभी चूंकि एल्विश वाला मामला चल रहा है तो हमने सोचा कि इसी पर ही और डिस्कशन और जानकारी और आप लोगों से बातचीत जो है वो करें। तो सबसे पहले और ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहले जुड़ जाएं, देन हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं। और आप लोगों की होली कैसी रही, किस तरह से होली आप लोगों ने मनाई, क्योंकि रंगों का त्यौहार था, खुशियों का दिन था। तो उम्मीद है कि आप सभी की होली अच्छी रही होगी, बेहतरीन रही होगी और आपने अपने परिवार दोस्तों के साथ बहुत अच्छे से मिलकर होली मनाई होगी। और जल्दी से जल्दी कमेंट्स भी आप लोग कीजिए और जल्दी से जल्दी बाकी लोगों को भी जोड़ने के लिए बोलिए, ताकि तमाम जितने भी जो अपडेट्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर सकें। और हमने जो इस पूरे मामले पर सौरभ गुप्ता जिन्होंने जिनकी शिकायत पर ये FIR भी दर्ज हुई थी एल्विश के खिलाफ, उनसे भी एक डिटेल बातचीत की है। तो वो पूरा बातचीत जो क्या कुछ हुई है वो भी हम आपको सुनाएंगे, कि क्योंकि बतौर मीडिया जिम्मेदारी है हमारी कि दोनों पक्षों को रखा जाए, दोनों पक्षों से बात करें। तो उसी के चलते हमने ये बातचीत जो है उनसे की। हमने रिक्वेस्ट की कि वो भी अपना पक्ष रखें, सच्चाई हर तरह से सामने आनी चाहिए। सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, ये कोर्ट तय करेगा। हमारा काम है कि सही बात को सही तरीके से रखें, सच के साथ हम खड़े रहें। अगर हमें कहीं लगता है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, हमें लगता है कि किसी व्यक्ति का पक्ष पूरी तरह से नहीं आ रहा, जिस तरह से हमने एल्विश मामले में भी कहा कि एक तरह से हर किसी ने जो उसे बहुत बड़ा गुनहगार बना दिया था कि ड्रग डीलर है, ड्रग रैकेट चलाता है या बाकी जो तमाम तरह की चीजें हो रही थी, तो अभी ये सब बातें, ये सारी चीजें साबित नहीं हुई। और जब तक ये सारी बातें साबित नहीं हो जाती है तब तक आप किसी को भी गुनहगार नहीं कह सकते हैं। वो आरोपी है, आरोप कोर्ट तय करेगा, कोर्ट से साफ होगा कि किसने कितना गुनाह किया है या कितना गुनाह नहीं किया है। तो सारी चीजें, सारे फैक्ट्स हम लगातार आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। गुड नाइट। जब तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। पहले भी तो यही बताइए कि होली आप लोगों की कैसी रही, किस तरह से आप लोगों ने सभी ने होली सेलिब्रेट की। और मैं एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर। जो लोग हमारे साथ ना केवल कमेंट्स बल्कि डायरेक्ट भी लाइव अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो लाइव भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन बस अनुरोध यही होगा कि किसी भी तरह की कोई भी गलत कमेंट्स ना हो, क्योंकि ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपनी बात को अच्छे से रख सके। लेकिन उसमें कहीं भी किसी के लिए कोई आपत्तिजनक शब्द ना हो, आपत्तिजनक बातचीत ना हो, बस इसका ध्यान रखें। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें करते हैं तो उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और हम आपको तुरंत वहां से हटा देंगे। लेकिन जितना मैंने देखा है आप लोगों का, आप लोगों ने कभी भी कोई ऐसा कमेंट नहीं था जिसको पढ़ते हुए चार बार सोचना पड़े कि किस तरह का खराब या गलत कमेंट किया। आप लोगों ने सभ्य तरीके से बात लिखी है। तुषार सनवेने, हाय सर, हाय तुषार, कैसे हैं आप। यादव लिख रहे मेरे यहाँ आज हैं गोरखपुर में। अच्छा, शायद आप ये बताना चाह रहे होंगे कि एल्विश आपके यहाँ गोरखपुर में है। तो मैं इसी के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक ये शेयर कर देता हूँ कि आप अगर हमारे साथ लाइव भी जुड़ना चाहते हैं तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप अपनी बात लाइव जुड़कर भी कर सकते हैं, जैसे हमने परसों भी किया था और हमारे साथ विजय जी लाइव जुड़े थे। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको वीडियो वाला ऑप्शन ऑन करना, आप सिर्फ ऑडियो से भी जुड़ सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल जूम की तरह ये लिंक है। इसमें जब आप जाएंगे तो वो दोनों ऑप्शन देता है कि आपको अपना ऑडियो म्यूट रखना है, अनम्यूट करना है, वीडियो आपको ऑन करना है या ऑफ रखना है, तो दोनों चीजें हैं। तो आप जरूरी नहीं है कि आप अपना वीडियो के साथ जुड़े, आप सिर्फ ऑडियो के साथ भी जुड़ के अपनी बात रख सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं, बता सकते हैं और भी अलग अलग मुद्दों पे हम बात इसमें कर सकते हैं। तो मैंने अभी ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दिया है, इस पर मैं लिख देता हूँ। ये लिंक मैंने यहाँ शेयर कर दिया है, StreamYard जिस ऐप, इसी ऐप के जरिए अभी हम लोग लाइव भी जुड़े हुए हैं। एक बार सुदेश, मैं एक बार जरा कैमरा देखना, कैमरा शायद हिल गया है।
बात जरा मैं चेक कर लूं, बने रहिएगा आप, देखिएगा सुदेश, वेट एक मिनट, एक सेकंड वेट, तब तक मैं रुकिएगा, शायद कैमरे का कनेक्शन थोड़ा सा कहीं हो गया, तो आप बने रहिएगा अभी जस्ट कुछ ही देर में। हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू सुदेश, ठीक है परफेक्ट। तो मैंने कमेंट बॉक्स में आपके लिए वो डिस्क्रिप्शन डाल दिया, छोड़ दिया, वहां से आप क्लिक करके आप डायरेक्ट लाइव जुड़ सकते हैं, ऑडियो या वीडियो दोनों तरह से, दोनों ही ऑप्शंस आपके लिए, कि जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ ऐसे जुड़े। मैं एक बार इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले, पिछले अगर अपडेट्स की बात करें, तमाम सारी चीजें आपने देखी कि सप्ताह भर का वो समय था जब एल्विश जेल में रहा, आरोप एनडीपीएस एक्ट के तहत लगे कि सांपों के जहर का इस्तेमाल नशे के लिए किया जाता है, और बहुत सारी चीजें उसमें थी। बेल को लेकर बहुत सारी चर्चाएं रही कि बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना सीरियस ये केस है, अलग अलग एडवोकेट्स तमाम लोगों ने बातचीत की, लेकिन अभी फिलहाल एल्विश अपने घर आ चुके हैं, परिवार के साथ हैं, कल होली मनाने सूरत गुजरात गए थे और आज भी अपने अलग अलग कार्यक्रम वो कर रहे हैं। अभी केस चल रहा है, अभी पुलिस इसकी जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, उसके बाद ट्रायल शुरू होगा, तो कितना समय इस पूरे केस में लगेगा, तो ये तो अभी कानूनी तौर पर इसमें अभी समय लगेगा, इतनी जल्दी इसका फैसला नहीं होगा। लेकिन इस सब के बीच हमने सोचा कि क्यों ना सौरभ गुप्ता, जिनकी शिकायत पर ये कंप्लेंट हुई थी, एफआईआर दर्ज हुई, उनसे भी बात की जाए। वही बातचीत आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, और पहली बार किसी भी न्यूज चैनल पर आप ये बातचीत देखेंगे। हम अपनी तरफ से कुछ ऐड ऑन नहीं कर रहे हैं, जितनी बातचीत हुई है उतनी ही हमने रिकॉर्ड की है, और उतनी ही हम आपके सामने रखेंगे, आपको सुनाएंगे। सही गलत जो तय करना है वो जनता ने तय करना है, न्यायपालिका ने तय करना है, पुलिस ने देखना, वो तमाम तरह की चीजें हैं। तो उन्होंने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा, उनका क्या पक्ष था, वो उनके हाथ कौन से ऐसे सबूत थे नहीं थे, जो भी तमाम तरह की बातें हैं वो उन्होंने अपनी इस बातचीत में की है। तो बहुत ज्यादा लंबा इंतजार ना कराते हुए मैं आपको वो पूरा ऑडियो सुना रहा हूं, जो मेरी बातचीत सौरभ गुप्ता के साथ हुई, जो कि पीएफए से जुड़े हुए हैं और जिनकी शिकायत पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। अच्छा यादव जी लिख रहे, नहीं सर होली आज, अच्छा यादव जी होली इस तरफ हरियाणा में दिल्ली और आसपास तो होली आज ही मनाइए, लेकिन हो सकता है क्योंकि आजकल त्योहार दो दो बार मनाए जा रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं हर त्योहार दो दिन आ रहा, रक्षाबंधन भी ऐसे हुआ था और दूसरे त्योहार भी जो है दो दो दिन मनाए जा रहे हैं, तो हो सकता है आपके यहाँ और बहुत सारी जगह तो बरसाना और उधर तो काफी लंबी होली चलती है, महीनों महीनों चलती है होली, तो होली के त्योहार का अपना ही एक आनंद है, अपना ही एक मजा है, अपना ही एक रस है। ऑडियो सुदेश एक बार सुनाइए। आपकी परमिशन होगी तो देन मैं अब ये कॉन्वर्सेशन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज। हेलो जी, हाँ मतलब अगर आप अलाउ कर रहे हैं देन मैं ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज बताइए। देखिए जो भी चीजें रेड के दौरान हुई है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ हुई है, तथ्यों के आधार पर हुई है, ठीक है, और जानकार सूत्र जो भी इस पूरे मामले में इंफॉर्मर्स थे, या आप ये कह लीजिए कि जिन्होंने भी इस बार हमारे मामले में सूचना दी, ठीक है, वो इन्हीं के ही बीच के लोग होंगे जिनकी तरफ से ये सूचनाएं आई हमारे पास, पीएफए को या पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, तो सपने नहीं आ रहे होते हैं, आप समझ रहे ना जी, जो भी इंफॉर्मर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के बेस पर ही काम होता है। पीएफए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, इसीलिए जितनी भी हमारे पास चीजें आई उन्हीं के आधार पे हमने रेड करी, रेड में सब सामान जो भी रिकवरी हुई वो रिकवरी पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ की गई, ठीक है जी, एफआईआर में जो भी नाम रजिस्टर्ड किए गए वो पकड़े गए आरोपियों के डिस्क्लोजर के आधार पर किए गए, और ये कोई पीएफए ने नहीं किए, इसके अंदर पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी की सहमति थी, और तथ्यों के आधार पर सबूतों के आधार पर ही एफआईआर में नाम मेंशन किया गया था, इसमें हमारी जरूर थी जी। और उसके बाद अब इस पूरे मामले में मैं ये भी नहीं कहता कि देखिए कि किसी का भी एफआईआर में नाम हो तो उसको उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं,
ठीक है ना, हमने कहा, और यही कारण है कि आज पिछले 5 महीने से नोएडा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें आई वो हमें भी नहीं पता चली और ना हमने जानने की कोशिश करी, क्योंकि ये काम पुलिस का है और पुलिस अपना काम कर रही थी, और पुलिस ने ही ये पूरा काम करने के बाद जो सैंपल आया फोरेंसिक लैब से और इसके अंदर टेक्निकल सर्विलांस की मदद से और भी अन्य कई तरह से पुलिस ने इसके अंदर साक्ष्य जुटाए हैं, जिनकी जानकारी पीएफए को भी बहुत कम है, और उसके बाद ही पक्के सबूतों के आधार पर ही पुलिस की तरफ से कुछ किया गया और पुलिस इसके अंदर आगे भी कर रही है। इसमें जो एक बात निकल कर आई थी सौरभ गुप्ता जी, कि जो एक ऑडियो राहुल का जो वायरल हुआ था जिसमें बातचीत हो रही है कि भी एल्विश ने आपका नंबर दिया है, तो क्या इस तरह का कोई ऑडियो एल्विश का भी होगा? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ऑडियो बहुत है, एक ऑडियो नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे ऑडियो है और वो सभी ऑडियो रेड के बाद ही सबूतों के साथ 65वीं के सर्टिफिकेट के साथ पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए थे, रेड भी सीसीटीवी फुटेज थी वो भी सब पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी, और पुलिस ही इसके अंदर पूरे विस्तृत पैमाने पर जांच कर रही है टेक्निकल सर्विलांस की मदद से, जिन लोगों को बाद में हमें पता चला अरेस्ट किया गया, हमें तो उस बारे में जानकारी भी नहीं थी कि कौन कौन लोग और हैं, हमारे पास तो एक बहुत छोटी सी जानकारी थी जिसके आधार पे केस रजिस्टर्ड करवाया गया, उसके बाद तो पुलिस ही अपनी विस्तृत जांच कर रही है और जो भी लोग अरेस्ट हो रहे हैं जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो पुलिस ही कर रही है, और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस अपना काम जो है वो पूरी तत्परता से और जो वर्कआउट केस हमने पुलिस को दिया है उस पर पुलिस आगे काम कर रही है। शुरुआत में जो आप बता रहे थे, जो जानकारी मिली थी, वो क्या जानकारी मिली थी कि एल्विश ही सांपों का जहर सप्लाई करते हैं या सिर्फ वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं या किसी और के लिए लेते हैं? मैं अभी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, हाँ ये जरूर है कि ये पूरा मामला जो है ये स्नेक वेनम की तस्करी से जुड़ा हुआ है, सांपों की तस्करी से जुड़ा हुआ है और बेसिकली ड्रग्स से रिलेटेड है। हालांकि जब हमारे द्वारा केस रजिस्टर करवाया गया था तो ये केस वाइल्डलाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दर्ज हुआ था, उसके बाद पुलिस को जो भी तथ्य और सबूत मिले होंगे उसके आधार पर पुलिस ने अपनी आगे जांच बढ़ाते हुए इसके अंदर जो भी उनको साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा मामले में। तो जो एल्विश का नाम जो शुरुआत में लिखवाया गया था, खैर वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस कर रही है, जो शुरुआत में आप लोगों की तरफ से एल्विश का नाम लिखवाया गया था उसके पीछे क्या आधार था सौरभ गुप्ता जी? कई सारे आधार थे, मैंने आपको बोला ना कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, केस डायरी के अंदर सारी चीजें लगी हुई है और सारी चीजें सार्वजनिक नहीं करी जा सकती हैं, क्योंकि अभी इस पूरे मामले में ना जांच पूरी हुई है, अभी इसके अंदर कई चार्जशीट फाइल होनी है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी होनी है, तो अभी इस पूरे मामले में कोई भी चीजें हम ज्यादा नहीं बता पाएंगे, और पुलिस ने भी हमसे यही पुलिस और हमारे बीच बताया था जो जो सब चीजें देखिए हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देंगे बजाय मीडिया में देने के, क्योंकि उससे आरोपी अपना बचाव कर सकते हैं। नहीं नहीं वो बिल्कुल आप ठीक करें, तकनीकी उसका सीधा प्रभाव जो है वो ट्रायल पे पड़ता है, तो मैं माफी चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ मैं ज्यादा आपको नहीं बता पाऊँ। बाकी जो एविडेंस शुरुआत में जो आप लोगों ने दिए थे, जैसे पीछे हम जिक्र कर रहे थे, करीब आप कह रहे थे करीब 20% के आसपास जो है आपने इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो दिए, बाकी पुलिस अभी मैंने आपको बोला है ना जी कि अभी तो हमने हमारे पास जो चीजें थी वो 20% जहाँ तक मेरा अंदाज है, बाकी तो आगे काम पुलिस कर रही है, 5 महीने के अंदर जो जो चीजें पुलिस ने जुटाई है वो पुलिस का काम है, उसके अंदर कहीं भी पीएफए इन्वॉल्व नहीं है, ना पीएफए की तरफ से कोई पुलिस के ऊपर कोई दबाव है, आप समझते हैं ना, ना किसी और का पुलिस पे दबाव है, पुलिस को हमने केवल एक कुछ सबूतों के साथ हमने पुलिस को एक टिप ऑफ दिया है जिस पर पुलिस अपना पूरा विस्तृत जांच करके काम कर रही है, लेकिन पुलिस को जो लगा होगा उसी के आधार पे पुलिस काम कर रही है। ओके, लेकिन क्या ये टिप इतनी मजबूत है कि, क्योंकि देखिए आज की डेट में ठीक है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़ा नाम हो गए, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या वो इतनी मजबूत है कि हाँ सीधे सीधे वो लिंक बन रहा है या अभी इन्वेस्टिगेशन ही है? कौन बड़ा आदमी है और कौन मजबूत आदमी है और कौन क्या है, देखिए ये कानून से ऊपर ना कोई बड़ा है ना कानून के आगे कोई मजबूत है, इस देश में सबसे बड़ा कानून है, संविधान है और सबसे मजबूत भी कानून ही है, तो कोई भी आरोपी हो
अगर उसके खिलाफ कोई सबूत पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई, चाहे वो कोई भी हो, बिल्कुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई कोई भी हो सकता है जी। मैं कोई देखिए कानून में किसी चीज के लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है जी। जो एक इसको बेल को लेकर भी एक बात हो रही है कि जो बेल जो ग्रांट हो गई, एक तरह से देखें तो लगभग सेम डे में हो गई, क्योंकि छुट्टियां बीच में थी और उसके बाद जो है कोर्ट की हड़ताल भी थी, तो क्या लग रहा है कि वो उतना मजबूती से पुलिस की तरफ से वो सबूत नहीं दिए गए? देखिए देखिए आप अगर बेल ऑर्डर पढ़ेंगे, बेल लेना और बेल देना जज की डिस्क्रिशन पावर है, और बेल लेना किसी भी आरोपी का अधिकार है। दूसरी बात, बेल अगर आप देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2021-22 की, जिसके तहत ये कहा गया है कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान में बेल दी जा सकती है ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही, तो यही कारण है कि बेल हो गई। लेकिन शायद इसमें जो जुर्म जो है वो शायद 6 महीने से 20 साल तक की सजा है। नहीं, ऐसा नहीं है जी, 6 महीने से 20 साल तक की सजा किसी में नहीं है। ये 27A के तहत की, लेकिन जो सेक्शन एनडीपीएस एक्ट के लगे हैं उन सभी के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और मैं आपसे आपको ये सलाह भी दूंगा, या आपके माध्यम से और भी सब मीडिया चैनल्स को भी, मीडिया चैनल्स तो हालांकि इसके अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कहीं भी ऐसा कुछ गलत नहीं चला है, लेकिन हाँ कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो इधर उधर की अफवाहें फैला रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ना ही एनडीपीएस एक्ट हटा है, ना ही कोई धारा हटी है, इसके अंदर 27A नहीं था जो कि शुरू में उड़ाया जा रहा था कि 27A है, एनडीपीएस के सेक्शन है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। हालांकि देखिए एनडीपीएस की जानकारी मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत हम लोगों को जानकारी है। एनडीपीएस एक्ट ये पुलिस का काम है, तो पुलिस ने किया है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट नहीं हटा है, और बेल कोई कमजोर या मजबूत केस, क्योंकि अभी ये केस ट्रायल पे नहीं आया है, अभी ये केस इनिशियल स्टेज पर है, और इनिशियल स्टेज पर हर आरोपी का ये कानूनी अधिकार है कि उसको बेल मिल जाए। और आप देखेंगे अगर बेल ऑर्डर के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का भी जिक्र है उसके अंदर बेल ऑर्डर में, इसमें लिखा है कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान में बेल दी जा सकती है। अच्छा, दो चीजें और आखिर में चलते, एक तो आपने एक और जो शिकायत दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने अब नोटिस किया है आपको जान से मारने की धमकी एल्विश की तरफ से, और लाइफ को थ्रेट का भी आपने जो आरोप लगाया था जी, तो वो क्या डायरेक्ट एल्विश ने ही ये धमकी दी है या फिर किसी व्यक्ति को भेजा गया था, ये किस तरह से दी? इसके अंदर मल्टीपल थ्रेट्स है नामजद आरोपी के द्वारा भी, और उसके द्वारा चलाए जा रहे कुछ अकाउंट्स द्वारा भी, तो ये सब चीजें हमने हाईकोर्ट की पिटीशन में साक्ष्यों के आधार पर, ये हाईकोर्ट ने पिटीशन दाखिल की है और हाईकोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन देते हुए इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है इस पिटीशन को, और इस पर एक विस्तृत जांच करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से भी रिपोर्ट मांगी गई है, और ये रिपोर्ट 4 हफ्ते में मांगी गई है। पिटीशन अभी प्रचलित है और इसके अंदर 18 तारीख को गुरुग्राम पुलिस ने और हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जवाब दाखिल करना है 18 अप्रैल। बस एक आखिरी सवाल, ये भी आरोप लगाया जा रहा है, आपके साइड पे आपकी तरफ आपको लगाया जा रहा है कि भी ये सारी चीजें जो एक्सट्रोशन के लिए की जा रही है, एक विक्रम करके व्यक्ति है उनके खिलाफ भी आपने शिकायत की थी, वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके कह रहे हैं कि भी देखिए मैं किसी को नहीं जानता, पर हाँ ये जरूर है कि कुछ कुख्यात वन्यजीव तस्कर हैं जो इस पूरे मामले में इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, जो कई बार जेल गए हुए हैं। आप जिस व्यक्ति का मुझे नाम बता रहे हैं उस पर क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि कई वन्यजीव तस्कर हमारे द्वारा पकड़ाए गए हैं और कईयों पर कार्रवाई हो रही है, तो जिस व्यक्ति का आप नाम बता रहे हैं मेरे संज्ञान में भी आया था, इस पर 11 मुकदमे दर्ज हैं और ये व्यक्ति कई बार जेल जा चुका है। मुंबई में भी इस पर 4 केस रजिस्टर्ड हैं और कुछ ऐसे केस हैं जो पीएफए या हमारे द्वारा दर्ज नहीं कराए गए हैं, जो लोगों ने दर्ज कराए हैं, कुछ पुलिस ने दर्ज करे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये व्यक्ति कुख्यात वन्यजीव तस्कर है और इस पूरे मामले में जुड़कर खुद ये लाभ लेना चाहता है। कई बार जेल गया है और मुंबई की कोर्ट से भी इसके वारंट निकले हुए हैं, वहां भी ये पेश नहीं हो रहा है जी।
दिखता था कि भ्रामक धारणाएं, ये भ्रामक प्रचार हमारे खिलाफ कर रहा है। और अभी इसी तरह का एक प्रचार इसने करा था, उसके ऊपर इस पे शालीमार गार्डन थाने में भी गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये व्यक्ति फरार है कई केसेस के अंदर, पुलिस इसके पास गई थी और ये अरेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से इन लोगों के बीच में जुड़कर ये अपनी रोटी या अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। और ये सीधी सी बात वही है कि देखिए, हमारा काम है काम करना, हमारी किसी भी निजी किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। एक वर्कआउट केस हमारे सामने आया था जो हमने पुलिस को दिया है, जिस यूट्यूबर के खिलाफ या जिन लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है उन लोगों को मैं पहले से जानता भी नहीं था। और हमारी कोई इस मामले में कोई भूमिका पर्सनली किसी से रंजिश निकालने की या कुछ दूर दूर तक अपना हमारी है ना हमारी संस्था की किसी व्यक्ति की है। यही कारण है, देखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस है, पुलिस इसमें जांच कर रही है, पुलिस ने जांच करके ही ये सब कुछ किया है। तो इसमें पीएफए का कोई रोल नहीं है, पीएफए द्वारा किसी ने शिकायत दी गई थी जिस पर जांच पुलिस कर रही है। तो अगर अगर पीएफए के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो, या कोई भी पीएफए के ऊपर आरोप लगाता है या हमारे ऊपर आरोप लगाता है, तो देखिए उसमें सबसे पहले आरोपों के घेरे में तो यूपी की सरकार और यूपी की पुलिस ही आएगी, क्योंकि पुलिस ही जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। तो कोई अगर आरोप लगा रहा है तो वो लगाता रहे, उस आरोपों से हमें ना कोई फर्क पड़ता है और ना इन चीजों से हमें कोई मतलब है। कई तस्कर ऐसे हैं, कई तस्कर या कुछ ऐसे यूट्यूबर जो इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, देखिए उन चीज वो उनका अपना पर्सनल हित हो सकता है, उससे हमें ना कोई फर्क पड़ने वाला है ना हमारे काम पर उसका कोई असर होने वाला है और ना इस केस पर केस से उस चीज का कोई मतलब है। कोई भी आरोप लगाता रहे वो उसका अपना हित है। और जिन जिन आरोपियों की जिनकी भी आप बात करा रहे हैं कि बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जिम्मेदार पत्रकारिता को करते हुए आप उन लोगों का पहले इतिहास निकलवाइए कि वो लोग जो हम पे आरोप लगा रहे हैं उनका अपना निजी इतिहास क्या है। नहीं बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है सौरभ जी, किसी भी तथ्य को समझने के लिए उसकी गहराई में जाने के लिए वो बातचीत तो ज़रूरी है, इसीलिए हमने भी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए आपसे संपर्क किया, क्योंकि पक्ष तो दोनों तरफ के ही सामने आने चाहिए। तो एक आखिरी बस सवाल ये कि मतलब जो शिकायत आप लोगों ने दी है, मतलब क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं ये जानना भी चाहते हैं, और जो आपने भी एक बात कही है कि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मतलब बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि शायद जल्दबाजी में बिगर फैक्ट्स आप लोगों ने चेक किए जो है वो शिकायत दे दी। पुलिस जल्दबाजी में अगर होता तो पुलिस 5 महीने बाद गिरफ्तारी नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो बहुत ही अनभिज्ञ है तथ्यों से, उनको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि आज FIR में नाम डाला और आज अरेस्टिंग हो गई, इसके अंदर 5 महीने की विस्तृत जांच पुलिस ने की है पहली बार, तो जल्दबाजी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरी बात ये है कि पुलिस जब इस मामले में अगर हमने कोई जल्दबाजी करी होती तो पुलिस क्लीन चिट दे चुकी होती, लेकिन अब देख ही रहे हैं कि पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी करी है, तथ्यों के आधार पर करी है। जिन लोगों को नामजद नहीं भी किया गया था उनकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, तो उसमें पीएफए का या हमारा इंडिविजुअल कहाँ से कोई रोल आ जाता है? ये तो पुलिस कर रही है, इसकी जिम्मेदारी इस पर काम करने का श्रेय तो सब पुलिस का है, पीएफए का तो है नहीं। तो बाकी अगर इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो भी आप मुझसे दोबारा बात कर सकते हैं, और अगर इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगती है, पुलिस नाम निकाल देती है, तो मैं पूरी तरह से इस पूरे मामले में अपने आप को दोषी मानूंगा। तो पहले पुलिस इस पूरे मामले में जांच पूरी कर ले और फिर आप मुझसे दोबारा बात करेंगे तो मैं बिल्कुल आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। बाकी कुछ और भी होगा तो ज़रूर कनेक्ट करेंगे, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपकी सहमति से मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी तो यहाँ उन्होंने खुद कहा है कि उनके पास जब उन्होंने इस पूरे मामले में शिकायत की थी तो करीब करीब 20% उनके पास फैक्ट्स थे या सबूत कहे उनको सबूत थे जिनके आधार पर उन्होंने ये शिकायत की थी, और उसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बाकी अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस और इन्वेस्टिगेशन में क्या पुलिस के हाथ लगा क्या नहीं लगा है अभी ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि जो
हमें जो कोर्ट से भी उस दौरान जानकारी मिली थी जब बेल को लेकर हुआ था या सबसे पहले एल्विश को पेश किया गया था नोएडा कोर्ट में, तब ये जानकारी थी कि बकायदा वहां जो वकील थे वो भी हमने आपसे बात कराई थी कि कोर्ट ने पुलिस को भी झाड़ लगाई है कि भी आपके पास पूरे सबूत नहीं है, पहले तो इसमें अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कीजिए। और दो सेक्शन एनडीपीएस एक्ट नहीं हटा है हमने, पहले भी आपको डे वन से हम बता रहे हैं कि एनडीपीएस एक्ट अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो स्टैंड करता है, लेकिन दो धाराएं हटवाई गई थी। इसके अलावा अब जो बेल हुई है अभी इसको लेकर भी ये है कि जो सजा का प्रावधान है इसमें क्या 7 साल या उससे कम का था तो उसमें आमतौर पर बेल मिल जाती है, लेकिन इससे ज्यादा की अगर सजा का प्रावधान किसी केस में होता है तो बेल आसानी से नहीं मिलती है, तो वो भी थोड़ा सा था। लेकिन अगर बेल मिल रही है और आसानी से बेल मिल रही है तो कहीं ना कहीं यहाँ ये भी सवाल थे कि क्या पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है, पुलिस के हाथ में कोई ऐसा कोई बड़ा सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो बेल को अपोज कर सके कि कोर्ट जो है वो बेल ना दे, क्योंकि बेल लगभग लगभग सेम डे मिल गई थी। और लगातार हम यही बात कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बेगुनाह है या गुनाहगार है वो जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक उसके बारे में अगर इस तरह से कहा जाए, इस तरह से माहौल एक बनाया जाए तो वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि सारी के सारे जो अभी जो चल रही है प्रक्रिया वो कानूनी प्रक्रिया है, वो चल रही है, उसमें आगे जो है अभी इन्वेस्टिगेशन होगी, चार्जशीट जो है वो पुलिस फाइल करेगी और उसके बाद केस आगे चलता रहेगा। लेकिन अभी जो हमने सुनाया आपको, जो सौरभ गुप्ता से हमारी बातचीत हुई थी और पूरा का पूरा जो है ऑडियो हमने सुनाया है, तमाम सारी चीजों पे हमने सवाल पूछे हैं कि क्या पूरा मामला था, क्यों उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इसके अलावा जो राहुल के साथ का जो एक ऑडियो वायरल हुआ था तो एल्विश के साथ का ऑडियो क्यों नहीं वायरल हुआ, वो भी हमने उनसे पूछा, क्योंकि अगर किसी केस से जुड़ा एक ऑडियो वायरल हो रहा है तो दूसरा भी होना चाहिए, क्योंकि सबसे अहम जो कड़ी देखा जा रहा है इस पूरे केस में तो एल्विश को माना जा रहा है कि वो ही सबसे बड़ी अहम कड़ी है, तो ऐसे में उसका ऑडियो क्यों नहीं बाहर आया। लेकिन यहाँ इनका कहना है कि इनके पास और मल्टीपल ऑडियो है जो कि पुलिस को दिए हैं, तो हो सकता है वो ऑडियो उसमें हो। लेकिन जहां तक था कि जब इतने ऑडियो बाहर आए तो मुझे लगता है कि एल्विश का ऑडियो भी बाहर आना चाहिए था। तो अभी बहुत सारी चीजें हैं जो अभी सवालों के घेरे में है, जो धीरे 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 इनके ऊपर से धुंध जो है वो छटेगी, चीजें और क्लियर साफ दिखने लगेगी कि क्या सच में कोई सबूत है भी या नहीं है, क्या सिर्फ किसी ने कोई जानकारी दी, क्योंकि जो हमारी बातचीत भी हुई थी सौरभ गुप्ता ने कि भी कुछ लोग हो सकता है कि जो आसपास कुछ लोग हों एल्विश के जिन्होंने कुछ कई बार होता है आदमी जब बहुत सक्सेस पा लेता है तो बहुत सारे लोग जलने भी लगते हैं, तो क्या किसी ने गलत जानकारी दी या सिर्फ जो एक वीडियो जो सामने आया था, जो फोटो भी हम देखते हैं जिसमें गले में एल्विश के वो सांप लटका के एक वीडियो भी उनका था, एक म्यूजिक एल्बम, क्या सिर्फ उसी को आधार बनाकर ये सोच लिया गया कि ये लड़का जो है वो सांपों के जहर को रेप पार्टी या उसमें सप्लाई करता है या फाइनेंस करता है या उसको यूज करता है या यूज कराता है, क्या सिर्फ हमने उस सबको देख कर वो किया, क्या वो सिर्फ जो वहां यूज किए गए थे सांप वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत वो इलीगल थे तो क्या सिर्फ वही एक केस होना चाहिए था, या कहीं उस वो खींचकर वो एक अलग डायरेक्शन में चला गया। तो बहुत सारे सवाल हैं जो अभी भी ऐसे के ऐसे खड़े हुए हैं और इन सवालों के जवाब ही हम टोहने की कोशिश भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, जो हम डे वन से कह भी रहे हैं, इसलिए हर व्यक्ति से बातचीत भी कर रहे हैं। अब एक और व्यक्ति जो जिक्र आया था, रवि भटनागर जो है, हमने उनसे भी बातचीत की, रवि विक्रम भटनागर, इनके खिलाफ भी सौरभ गुप्ता पीएफए ने एक मामला दर्ज करवाया है जो कि अभी वो जिक्र भी कर रहे थे, तो उनसे भी एक बार बात करेंगे कि उनका पक्ष क्या है। 2:45 वो हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे और अभी उससे पहले हमने सौरभ गुप्ता की बातचीत सुनाई। अब दूसरे जो आपका रवि विक्रम भटनागर जो हैं, ये क्या कहते हैं, इनके खिलाफ जो मामला दर्ज कराया है ये भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके इन्होंने भी बहुत सारी चीजें कही है, ये कह रहे हैं कि इनके पास भी बहुत सारे सबूत हैं सौरभ गुप्ता और उनके खिलाफ। हम पक्ष जानने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या पास पक्ष वो सबूत हैं, क्या ऐसे सबूत हैं, क्या इंटेंशन होगी सौरभ गुप्ता की इनके खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि हमने जो मुकदमा दर्ज कराया वो हमें डिफेम करने की कोशिश कर रहे थे, गलत तरह के वीडियो डाल रहे थे जिससे कि हमारा कोई लेना देना नहीं था और उसके चलते मामला दर्ज कराया। क्या यही कहानी है इस सबके पीछे या कुछ और भी इससे पहले चल रहा था जिसकी वजह से ये तनातनी बहुत ज्यादा बढ़ी और वो
थाने कोर्ट कचहरी तक पहुंची हुई है। तो पूरे मामले को समझना बेहद जरूरी है और एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते वो सारी चीजें हम लेकर आ रहे हैं। और अभी भी एक बात को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, इस वाले मामले में जब तक कि एल्विश पर कोई भी आरोप साबित नहीं हो जाते हैं, मुझे लगता है कि हमें किसी को डिफेम नहीं करना चाहिए और हमें तब तक साथ खड़े होना चाहिए कि ये काम कोर्ट का है, वो काम कोई भी बाहर बैठा मीडिया का व्यक्ति या कोई दूसरा व्यक्ति ना करे। बाकी जो चीजें थी, बाकी जो लड़ाई झगड़े या जो भी व्यवहार की बातें थी, वो अपनी जगह है तो, लेकिन हम उन सब को देखकर ये ना किसी के प्रति धारणा बना ले कि इस व्यक्ति का कैरेक्टर तो बहुत ज्यादा खराब हो सकता है, क्योंकि वो अभी साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये बहुत गंभीर मामले हैं और ऐसे गंभीर मामलों में, ऐसे सेंसिटिव मामलों में कुछ भी कहने से पहले चार बार सोचने की जरूरत रहती है और रहनी भी चाहिए, क्योंकि आप एकदम से आकर किसी के बारे में कुछ कहना शुरू कर देंगे तो एक बड़े स्केल पर जो है वो एक लोगों के मन में वो धारणा बननी शुरू हो जाती है और वो बहुत सारे लोग हैं जो उसी से प्रभावित होकर मानने लगते हैं कि हाँ ये व्यक्ति तो बहुत खराब होगा, बहुत गलत होगा। अभी कोर्ट को डिसाइड करने देना चाहिए कि कोर्ट इसको में डिसाइड करेगी, लेकिन उससे पहले पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन जो पूरा ऑडियो हमने सुनाया, एक बार फिर से जो लोग जुड़े हैं उनको मैं फिर से एक बार सुनाऊंगा कि जो ये पूरा ऑडियो हमने सुनाया है उसमें हमने कोशिश की है सारे सवालों के जवाब लेने की, लेकिन जो इसमें एक निकल कर आया, अब इसमें आप इस पे कह नहीं सकते हैं कि सीधे सीधे कि किसी के पास 20% ही सबूत है तो क्या उन 20% सबूतों के आधार पर किसी के ऊपर इतने बड़े एलिगेशन लगा देना सही है क्या? अब नैतिकता के आधार पर देखें या लीगली देखें तो ये अलग अलग राय सबकी हो सकती है इसमें, कि क्या थोड़ा सा और इंतजार करना चाहिए था कि वो थोड़े से जो सबूत है पुलिस तक जाने से पहले हम उनको और इकट्ठा कर लेते या उसमें और कुछ और बढ़ा लेते उसके बाद जाते, या वो 20% भी इतने काफी थे कि नहीं अब जाना चाहिए, तो ये एक चर्चा का विषय हो सकता है। इस पर सीधे सीधे वैसे टिप्पणी करना अपने आप में जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी क्योंकि आमतौर पर जब देखा जाता है कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, अगर मेरे साथ किसी ने लड़ाई झगड़ा किया तो मुझे पता है कि सामने वाले किस व्यक्ति ने किया है, उसको मैं जान रहा हूं और उसके नाम मैंने बाई नेम FIR दर्ज करा दी, या किसी ने मेरे घर में चोरी कर ली, मुझे शक है कि फलाना आदमी हो सकता है तो मैं उस शक के आधार पर उसका नाम मैं लिखवा के आता हूं, तो लेकिन उससे रिलेटेड मेरे पास पुख्ता इतना होना चाहिए कि हाँ मैं उस व्यक्ति का अगर नाम लिखवा रहा हूं तो। अनुजा जी, हेलो रिपोर्टर जी, हेलो अनुजा जी, तो इतना मेरे पास होना चाहिए। तो इस केस में भी थोड़ा समझना ये होगा कि क्या इतने पुख्ता सबूत या इतने जो टिप मिली थी, जो शुरुआत से जो चीजें निकल कर आई, सभी के सामने जो चीजें निकल कर आई शुरुआत से कि भाई एल्विश से संपर्क किया गया, उसके बाद एल्विश ने नंबर दिया राहुल का, राहुल से फिर पूरी कॉन्वर्सेशन हुई, राहुल कुछ सपेरों के साथ पहुंचता है नोएडा के एक बैंकेट हॉल में जहां बुलाया गया था और वहां पर वो रेड करके सारी चीजें वहां पर की गई। लेकिन अब सवाल ये है कि जो मैं बार बार पूछ रहा हूं कि वो सबूत कहाँ हैं जो कि सीधे सीधे ये दिखा दे कि हाँ एल्विश का इसमें नाम था। हो सकता है वो पुलिस के पास हो, वो सारी चीजें दे दी गई हों, लेकिन अभी तक वो कहीं भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर दिखे नहीं है, क्योंकि अगर इस तरह के इतने गंभीर सबूत है तो मुझे लगता है कि पुलिस को भी कहीं ना कहीं उनका जिक्र करना चाहिए था, या तो कोर्ट में वो आते तो वो अभी भी अपने आप में चीजें पर्दे में है। अब वो कानूनी पेचीदगियां कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए उसके पीछे, क्योंकि अगर कुछ लोगों के बारे में जानकारी आ सकती थी, कुछ लोगों के बारे में उन सबूतों को लेकर जानकारी आ सकती थी, तो जो इस केस में सबसे बड़ा चेहरा है, जो इस केस में सबसे बड़ा नाम है, उसके बारे में तो जरूर आनी चाहिए, क्योंकि आप समझिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर या पब्लिक के बीच में एक लोकप्रियता पा चुका है या और उसमें बढ़ रही है उसकी लोकप्रियता, तो कहीं ना कहीं उसके नाम को किसी भी केस के साथ जोड़ने से पहले बहुत सारी चीजों को सोचने समझने की जरूरत होती है। अब यहाँ पर एक तर्क दिया गया था सौरभ गुप्ता जी की तरफ से कि भाई पुलिस ने एकदम से नहीं अरेस्ट किया, पुलिस ने मामला दर्ज किया, FIR दर्ज हुई और FIR दर्ज होने के करीब 4-5 महीने के बाद ये गिरफ्तारी की, यानी कि पुलिस ने 4-5 महीने में बहुत सारे एविडेंस इकट्ठा किए होंगे। लेकिन जो अभी तक हमने समझा, ऐसा लगा नहीं कि कहीं भी कोई इस तरह की कोई बहुत बड़ी रेड या बहुत बड़ा कुछ हुआ हो, क्योंकि जब शुरुआत में ये मामला दर्ज हुआ था तो इस तरह की चर्चाएं होती कि एल्विश जो है एक जगह से दूसरी जगह बचने के लिए भाग रहे हैं। लेकिन जब जयपुर में, जहां तक मैं ठीक हूँ, जयपुर में राजस्थान पुलिस ने उन्हें डिटेन किया था कि और डिटेन करने के बाद यूपी पुलिस को कॉन्टैक्ट किया था कि भी आपके एक केस में जो आरोपी है वो यहाँ पर मिले हैं और हमारे पास हैं,
तो क्या आपको जरूरत है उनकी अरेस्ट डालने की? तो तब वहां पर अरेस्ट से मना कर दिया था यूपी पुलिस ने। तो कई तरह की अभी भी चीजें हैं जिसको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, और हम इसके पीछे की बाकी और चीजों को भी आपके सामने लाने की कोशिश करते रहेंगे। थोड़ी देर में मेरे साथ रवि भटनागर जो हैं, रवि प्रशांत भटनागर, वो भी जुड़ेंगे। उनके ऊपर भी सौरभ गुप्ता ने एक FIR दर्ज करवाई है, अलग अलग सेक्शन में FIR दर्ज की गई है। उनका कहना है कि ये जो है कुख्यात तस्कर है, जो वन्य जीव है उनसे जुड़े हुए तस्कर है, एक्सट्रोशन का भी जिक्र हुआ है। इसके अलावा दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इनके रवि भटनागर की तरफ से कहा जा रहा है कि सौरभ गुप्ता और ये सब लोग जो है इनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं, और अलग अलग तरह के आरोप है। तो वो क्या कुछ आरोप है, वो सारी चीजें क्या है, वो भी हम उनको लाइव आपके साथ जोड़ के बातचीत करेंगे। तो यानी कि कोई भी जो चीजें हैं हम पर्दे में नहीं रखना चाहते, हमारे पास जो चीज आ रही है एज इट इज, उसमें कहीं भी कोई किसी भी तरह की मिलावट के हम आपके सामने रख रहे हैं। अब इसमें तय आप लोगों ने करना है, हम इसमें अपनी कोई राय नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए आप, ताकि आप लोग भी बाकी पहलुओं को भी देखें, उसी से तो चीजें और स्पष्ट होंगी, क्योंकि एक एक चीजें आपके सामने जैसे जैसे आती जाएंगी वैसे वैसे तस्वीर और साफ होती दिखेगी आपको। तो ये जो कॉन्वर्सेशन थी आपको मैं एक बार फिर सुनाऊंगा जब रवि भटनागर भी इसमें जुड़ जाएंगे, ताकि वो भी सुने, क्योंकि उनके ऊपर भी जो उनसे संबंधित हमने जो सवाल लिए थे, ताकि उनको भी पता रहे, ताकि हम उनसे भी उन सवालों पर काउंटर करें, उनसे भी उन सवालों के जवाब लें। तो ये भी हमारी एक कोशिश रहेगी। लेकिन ओवरऑल जो पूरा केस है, जो अभी नए लोग जुड़े हैं, मैंने जैसे पहले बताया था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने इस जो अभी हम लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं इसका लिंक मैंने शेयर किया है, जो कि स्ट्रीम यार्ड का है, बिल्कुल जूम की तरह आप उस पर जाकर कनेक्ट कर सकते हैं आप हमारे साथ, और सीधे मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं अपनी बात रखने के लिए। बस रिक्वेस्ट आपसे यही है कि किसी भी तरह की कोई अपशब्द हम ना बोले। खैर, मैंने पूरा देखा है पिछले 7-8 दिन से जिस तरह से आप लोगों के साथ हम लोग कनेक्ट रहे हैं तरफ से, मतलब कोई एक दो अगर मैं छोड़ दूं, उधर भी कोई ऐसी भाषा नहीं थी, किसी ने भी असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आमतौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है ये मतलब, लेकिन सल्यूट है आप सभी व्यूअर्स को, सभी, क्योंकि मोस्टली जितने भी लोग जुड़े हैं उसमें एल्विश के फैन की संख्या ही सबसे ज्यादा थी। तो आप लोगों ने किसी भी स्थिति में अपने संयम को नहीं छोड़ा, संयम के साथ आप लोग बने रहे, ये अच्छी बात है। और कोई भी व्यक्ति हो, किसी के लिए भी हमें गलत नहीं बोलना चाहिए, ये आप लोगों ने दिखाया, आप लोगों का कंसर्न था कि भी, क्योंकि आप किसी को जब पसंद करते हैं और अगर वो व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाए तो जाहिर सी बात है सभी का एक कंसर्न होता है कि हमें वो जानना चाहते हैं कब इस मुश्किल से निकलेंगे, कब बाहर आएंगे। तो वो सारी चीजें आप लोगों ने पूछी, बताई, लेकिन कोई कभी भी आप लोगों ने असभ्य भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। AK ठाकुर लिख रहे हैं, लव यू भाई, थैंक यू वेरी मच AK ठाकुर। धर्मेंद्र कुमार लिख रहे हैं, पुलिस को सस्पेंड क्यों की गई है, पॉलिटिकल प्रेशर है सर इस केस में? देखिए अभी जांच चल रही है, धर्मवीर कुमार, अभी इसमें जांच चल रही है, किस तरह का क्या प्रेशर है, क्या सारी चीजें हैं, ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सबके सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो बेगुनाह है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया है, कभी कभी होता है कि देर जरूर लग जाती है, लेकिन कहते हैं ना देर है अंधेर नहीं है, तो मुझे भी लगता है कि इस पूरे मामले में भी देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होंगी। अगर एल्विश ने गुनाह नहीं किया, एल्विश इसमें शामिल नहीं है, तो पाक साफ बाहर आएंगे। तो वो सब चीजें अभी इंतजार करना होगा। आप लोग बिल्कुल, सब लोग इस पे जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ है। शिवा बी परिहार लिख रहे हैं, फास्ट ट्रैक केस होना चाहिए। तो लगातार आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं। बैड डीजे लिख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो भाइयों। बिल्कुल, आप लोग ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए। कुछ और आपकी क्वेरीज हैं, कुछ और ऐसे सवाल हैं जो आप लोगों को लगता है हमें पूछने चाहिए, बाकी लोगों से पूछने चाहिए, हम फिर से अगर कोशिश करेंगे कि जो सौरभ गुप्ता है जिन्होंने शिकायत दी थी, अगर कुछ और सवाल आप लोगों के जहन में भी है तो वो भी बताइएगा, वो भी पूछने की हम कोशिश करेंगे, जहां से भी हम उनके बारे में बात कर सकते हैं, ताकि एक क्लैरिटी आनी चाहिए। और जैसे कि हमने वो पूरा जो कॉन्वर्सेशन सुनाया उसमें, वहां से एक ही बात थी कि
जब शुरुआत में जो टिप थी, वो जो जानकारी थी, वो कितने सबूत थे, कितना क्या कुछ था जो हाथ लगा, जिसके आधार पर ये मान लिया गया या तय कर लिया गया कि एल्विस जो है इस तरह की किसी भी गलत काम के साथ जुड़ा हुआ है, वो इस तरह के गलत काम को करता है, तो वहां ये बात निकल कर आई कि पीएफए के पास सिर्फ 20% सबूत थे। उसके बाद उन्होंने उसी के आधार पर वो शिकायत दर्ज कराई थी और उस शिकायत के पर पुलिस ने, अंकित भारद्वाज कह रहे हैं कि ऑडियो चला दो सर एक बार, अभी आया हूं। अंकित जी अभी बस रुक जाइए 2-3 मिनट, मैंने जो विक्रम प्रशांत भटनागर हैं, रवि विक्रम भटनागर, थोड़ा सा मैं नाम भूलने में मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत है, कोविड के बाद थोड़ा सा ही ये ज्यादा है, तो वो अभी एक बार कनेक्ट हो जाएंगे। हमने खैर सौरभ गुप्ता से भी रिक्वेस्ट की थी कि वो लाइव आए, लेकिन उनका कहना था कि केस चल रहा है उसमें, और फिलहाल ऑडियो हमने जरूर सुना दिया, जो कि हमने उनसे जो बातचीत की थी बकायदा परमिशन के साथ, और पूरा का पूरा एग्जैक्ट ऑडियो चला है, उसमें कोई काट छाट कहीं नहीं हमने की है, जो बातचीत हुई वैसी की वैसी हम सुना रहे हैं। और कुछ देर, हाँ अंकित जी, रवि जी को मैं जोड़ रहा हूँ, मैंने उनको भेजा हुआ है लिंक, तो 2:45 का हुआ था, तो 2:45 बस कभी भी मुझे लगता है वो जुड़ेंगे, तो उनसे भी बातचीत करेंगे कि उनका क्या कहना है, उनके खिलाफ भी एक मामला दर्ज कराया गया है, तो मैं एक बार उनको टेक्स्ट भी कर देता हूँ कि वो जुड़े। तो उसी के बाद जो है एक बार फिर से मैं आपको वो ऑडियो दोबारा से सुनाऊंगा, ताकि उनके ऊपर उनसे संबंधित भी उसमें बातचीत है, ताकि वो भी सुने, और जो भी वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो वो पक्ष भी इसके जरिए लिख लें। बब्बल डाकू लिख रहे हैं, रवि भाई को बुलाओ जी, मैंने टेक्स्ट कर दिया है उनके लिए, और उम्मीद है भी कुछ ही देर में वो जुड़ जाएंगे, उन्होंने मेरा व्हाट्सएप पे पढ़ भी लिया है। तो जो अभी लोग जुड़े थे, अभी मैंने कुछ देर पहले ही पूरा का पूरा जो कॉन्वर्सेशन है वो सुनाया है, एक बार फिर से हम सुनाएंगे, फिर रवि विक्रम जो भटनागर है उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका पक्ष भी हम यहाँ पर जानेंगे। बाकी तब तक ये बताइए आप लोगों की होली कैसी रही, किस तरह से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि पिछले एक सप्ताह भर से आप लोग भी टेंशन में थे कि क्या होगा इस केस में, आगे किस तरह से चीजें बढ़ेंगी, किस दिशा में जाएंगी, और फाइनली बेल मिल गई है और कल एल्विस सूरत में थे और अपने काम पर वापस लौट गए हैं, परिवार के साथ भी समय बिता रहे हैं, लोग भी आने लगे हैं और बाकी सब चीज़ें भी चलने लगी है। केस अभी चल रहा है, केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसी से संबंधित जो भी जानकारी हमें मिल पा रही है वो मैं आपके सामने लेकर आने की कोशिश कर रहा हूं कि आप भी वो सब चीज़ें देखें, समझें कि कितना क्या है, क्या कोई सबूत है नहीं है। अंकित भारद्वाज एल्विस भी कुछ बोले नहीं सकता क्योंकि केस कोर्ट में है, इसलिए आपको इंटरव्यू भी दिया होगा। सनशाइन कानून का फायदा उठा रहा है, बिल्कुल उठा ही पीएफआई वाला कानून का फायदा उठा रहे हैं, पीएफए वाले कुछ सनशाइन ऐसे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। नहीं, अपनी बात रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अल्विश, मतलब बहुत डिटेल में, क्योंकि कोर्ट में है तो वो उनके ऊपर है कि वो उस बात को आकर रखना चाहे या ना रखना चाहे, बट हम ये कहेंगे कि केस से रिलेटेड नहीं, वैसे भी एक इंटरव्यू उनको ओवरऑल करना चाहिए, और इस मामले में जब कुछ लेना देना नहीं है दूर दूर तक का तो अपनी बात भी रखनी चाहिए, तो उसमें कोई गलत वो नहीं है। एल्विस भाई कुछ बोल नहीं जी। अंकित, मैंने अभी वो उसी आपके इसी सवाल पे चर्चा कर रहे थे, अभी तक रवि भटनागर जी जुड़े नहीं है, मैं एक बार कॉल करके भी कोशिश करता हूँ बात करने की। आई एम इन, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं रवि जी, कहाँ आपने कनेक्ट किया है आप, मुझे लग रहा है कि सिर्फ YouTube लिंक को आपने ऑन कर लिया, आपको जो मैंने एक स्ट्रीम यार्ड का लिंक भेजा है वो आपको ऑन करना है। देखिएगा YouTube के लिंक से पहले एक मैंने लिंक भेजा है streamyard.com का, उस पर क्लिक कीजिए और उससे आप जुड़िए। मुझे लग रहा है कि आपने YouTube वाला ऑन किया है, YouTube से तो सिर्फ आप ये वीडियो देखेंगे, आप जुड़ नहीं पाएंगे मुझसे लाइव। एक बार कोशिश कीजिए उस लिंक को, streamyard.com का ये लिंक है जो कि YouTube लिंक से पहले भेजा हुआ है 2:26 पर।
मैं एक बार कॉल करके ही बात करने की भी कोशिश करता हूँ, तब तक आप बने रहिए, इस ऑडियो को एक बार फिर से भी हम प्ले करेंगे। रवि जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी, आपने ये स्ट्रीम यार्ड से जुड़ना है सर आपने? हाँ, आप स्ट्रीम यार्ड से जुड़िएगा, उससे वो आएगा। ठीक, प्लीज चलिए। वो शायद गलती से उन्होंने यूट्यूब का लिंक ऑन कर दिया था, तो कुछ ही देर में जुड़ रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से हम प्ले करेंगे। जो लोग नए अभी जुड़े हैं हमारे साथ, उनको भी एक बार सुनाएंगे पूरा ऑडियो, क्या कुछ सौरभ गुप्ता ने इस पूरे मामले को लेकर कहा है, कौन से ऐसे सबूत थे, कितने सबूत थे, क्या प्रतिशत था उसका, बाकी और जो थ्रेट को लेकर भी एक जो उन्होंने शिकायत की है उसको लेकर क्या कुछ कहानी है, क्या फिर उसके बाद आपको लगता है उस कॉन्वर्सेशन के बाद कि वो आपने देखना है। हम एक एक चीज आपके लिए लेकर आ रहे हैं। क्राइस ब्रोज लिख रहे हैं, एल्विश नहीं करेंगे इंटरव्यू मोस्टली, क्योंकि उनको पता है मीडिया फ्रॉड है। मैं बाकी लोगों के साथ नहीं कह रहा हूं, मैं अपने साथ कह रहा हूं इंटरव्यू की। टीआरपी चाहिए उनको बस। एल्विश के केस में ये एनजीओ एक्सपोज हो गया है बुरी तरह से, ये लोग, खैर वो शब्द मैं यूज नहीं करूंगा, और पॉलिटिकल सपोर्ट है। अभिषेक सिंह सर, केस स्ट्रांग होता तो लोअर कोर्ट से इसे इस केस में भी बेल नहीं मिल सकता, पूरा फंसाया गया है। पीके टीवी लिख रहे हैं, पीएफए वालों को स्लॉटर हाउस से भी कनेक्शन है। तो ये अलग अलग कमेंट्स आ रहे हैं जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, अपनी अपनी बात जो है कमेंट्स के जरिए रख रहे हैं सभी लोग। और जो लोग लाइव भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। एक मिनट, रवि भटनागर जी। जी रवि जी, नहीं नहीं ऐप नहीं डाउनलोड करना होगा, आप सिर्फ डायरेक्ट भी आ जाएंगे ना इसमें। जैसे जो एक सेकंड, मैं आपको दोबारा इस लिंक को शेयर कर रहा हूं, आप दोबारा कोशिश कीजिएगा। क्या आ रहा था दोबारा बताइएगा पहले? ऐप इंफॉर्मेशन पे गए तो आपके पास आईफोन है क्या? अच्छा, नॉर्मल एंड्रॉइड है। नहीं तो अगर जो माइक ऑन करने के बाद क्या कह रहा है दोबारा बताइए आप। ऐप इंफॉर्मेशन पे जाने तो नहीं, नाम जहां डालने के लिए भी एक ऑप्शन देता, वहां तक आ गए थे आप? हाँ तो ज्वाइन विद माइक कीजिए आप, दोनों ही माइक और कैम। हाँ, माइक और कैम दोनों कीजिए आप, तो ऐप इंफॉर्मेशन पे जाइए। क्या कह रहा है फिर एक बार चेक कीजिएगा, हेलो, या फिर स्क्रीनशॉट भेजिएगा उसका। वो शायद कुछ तकनीकी वजह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, जरूर उनको जुड़ लेंगे। पीएफए रवि जी को सुना है, उनको पीएफए वालों ने कितना परेशान किया है। ओके, तो चलिए बस कुछ देर का और इंतजार है, उसके बाद जुड़ जाएंगे। फिर एक बार फिर से मैं आपको सौरभ गुप्ता की वो ऑडियो जो हमने उनके साथ बातचीत की थी, जो कुछ सवाल थे उन सवालों के जवाब हमने उनसे लिए थे, वो मैं एक बार फिर से आपको सुनाऊंगा। तब तक बस इंतजार कर रहे हैं, रवि नागर जी भी जुड़ जाएंगे, उनसे भी पूछेंगे कि उनके ऊपर जो एलिगेशंस लगे हैं वो उनमें कितना दम है कितना नहीं है, उस पर उनकी अपनी क्या राय है, तो वो सारी चीजें भी वो उनसे हम पूछेंगे यहाँ पर। तब तक आपके जो भी सवाल हो प्लीज अपने सवाल कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आप लोग भी लाइव जुड़ना चाहते हैं, आप भी हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, वो जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक आपको शेयर किया हुआ है। एल्विश को बदनाम करने की साजिश चल रही है सिर्फ, अभिषेक सिदाना लिख रहे हैं। तो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्स जो आ रहे हैं, और लगातार हम उनको भी पढ़ने का काम कर रहे हैं, अगर वो आपत्तिजनक नहीं है तो। और
अच्छी बात यह है कि आप लोगों ने बड़े ही सभ्य तरीके से, मोस्टली लोगों ने बड़े ही सभ्य तरीके से अपनी भाषा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें कही है। लेकिन अब चूंकि केस आगे चल रहा है, चीजें एल्विश के साइड से चीजें अभी काफी हद तक सेटल दिख रही हैं, ठीक दिशा में जाती दिख रही हैं कि जो बेल थी दोनों ही मामलों में, खासतौर से जो आपका एनडीपीएस एक्ट के तहत था उसमें बेल मिल चुकी है, इसके अलावा जो मैक्सटर्न के साथ जो मामला था उसमें भी बेल मिल चुकी है। मैक्सटर्न वाले मामले पे बात करें तो बहुत ज्यादा तकनीकी तौर पर कहे हैं वैसे कोई बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानी लग नहीं रही है, उसमें बहुत इजीली जो है वो केस खत्म हो जाएगा क्योंकि उसमें कॉम्प्रोमाइज हो गया है। बाकी एनडीपीएस वाले मामले में अभी कितना लंबा खींचेगा, किस तरह की और क्या दिक्कतें हो सकती है, कौन से ऐसे सबूत हैं नहीं है, क्योंकि सौरभ गुप्ता जो है उन्होंने दावा किया है कि और बहुत सारे सबूत हैं जो हमने पुलिस को दिए, लेकिन वो बहुत सारे सबूत कितने हैं, कि वो जो 20% सबूतों की बात कर रहे हैं कि वो पर्याप्त हैं कि इससे साबित हो सके कि क्या एल्विश जो है वो इस मामले से लिंक करते हैं, उनका इस मामले में कुछ लेना देना है, या सिर्फ वो कुछ लोगों के द्वारा कह दी गई बातों पर ही चलते हुए उसके आधार पर ही ये बन गया कि भी इसका भी इसमें दोष हो सकता है। क्योंकि ऐसी भी चीजें हो सकती है कि कोई आदमी किसी पार्टी में जा रहा हो, तो अब किसी पार्टी में कोई आदमी अगर जा रहा है उसमें अगर बाकी लोग किसी भी तरह की कोई गलत हरकत कर रहे हैं, ड्रग्स भी ले रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना उसमें सारे के सारे लोग उसमें इन्वॉल्व है। सपोज मुझे कोई किसी पार्टी के लिए इन्वाइट करता है और वहाँ 10 लोग कहीं कोने में चरस गांजा खींच रहे हों, तो उससे मेरा तो लेना देना नहीं होगा ना। हाँ, लेकिन अब अचानक से अगर कोई पुलिस रेड होती है तो पुलिस जो है सबको उठा लेती है, लेकिन वहां फिर कम से कम ये देखना होगा कि भाई हाँ बाकी लोगों को भी आपने उठाया, क्या वो लोग भी थे इन्वॉल्व, या वो जो कोना पकड़कर चरस फूंक रहे थे उन्हीं उन्हीं लोगों का ही सिर्फ उसमें लेना देना था। रवि जी शायद जी, रवि जी स्क्रीनशॉट भेजा आपने, एक सेकंड होल्ड कीजिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपका ब्राउजर स्टॉप कर रहा है उसको ऑन करने से। सुदेश अभी वो जुड़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उनका ब्राउजर उनको ये कौन से ब्राउजर से कर रहे हैं आप, भोला ब्राउजर है स्टॉप। हेलो हेलो, एक बार चेक करो, और मैं नंबर भेज रहा हूँ इनका ना, मैं नंबर भी भेज रहा हूँ, एक बार इनको कॉल भी कर लो क्या दिक्कत आ रही है और कौन से ब्राउजर से कर रहे हैं वो भी एक बार चेक करो। चलिए जब तक वो जुड़ते हैं एक बार मैं फिर से आप लोगों के लिए वो ऑडियो प्ले करता हूँ, क्योंकि काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, जब वो जुड़ेंगे तो एक बार फिर से हम प्ले कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी नए जुड़े हैं। तो मैं आपको जो सौरभ गुप्ता से मेरा जो डिस्कशन हुआ है तो वो मैं आपको यहाँ से सुना रहा हूँ एक बार फिर से कि क्या कुछ बातचीत हुई, और ये जो भी कॉन्वर्सेशन है जितनी हमने इनके साथ डिस्कस की वो पूरी की पूरी एज इट इज हम आपको सुना रहे हैं, इसमें कहीं कोई बदलाव कहीं कोई चेंजेस नहीं किए हैं हमने। सुनिए अब ये कॉन्वर्सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, प्लीज। हेलो हाँ, मतलब अगर आप अलाउ कर रहे हैं देन मैं ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज बताइए। देखिए जो भी चीजें रेड के दौरान हुई है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ हुई है, तथ्यों के आधार पर हुई है, ठीक है, और जानकार सूत्र जो भी इस पूरे मामले में इन्फॉर्मर्स थे, या आप ये कह लीजिए कि जिन्होंने भी इस बार मामले में सूचना दी, ठीक है, वो इन्हीं के ही बीच के लोग होंगे जिनकी तरफ से ये सूचनाएं आई हमारे पास, पीएफए को या पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, तो सपने नहीं आ रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना जी। जो भी इन्फॉर्मर्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही काम होता है, पीएफए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, इसीलिए जितनी भी हमारे पास चीजें आई उन्हीं के आधार पे हमने रेड करी, रेड में सब सामान जो भी रिकवरी हुई वो रिकवरी पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ की गई, ठीक है जी, एफआईआर में जो भी नाम रजिस्टर्ड किए गए वो पकड़े गए आरोपियों के डिस्क्लोजर के आधार पर किए गए,
और ये कोई पीएफए ने नहीं किए, इसके अंदर पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी की सहमति थी और तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ही एफआईआर में नाम मेंशन किया गया था। इसमें हमारी जरूर थी, जी, जी। और उसके बाद अब इस पूरे मामले में मैं ये भी नहीं कहता कि देखिए कि किसी का भी एफआईआर में नाम हो तो उसको उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं, ठीक है ना, हमने कहा। और यही कारण है कि आज पिछले 5 महीने से नोएडा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें आई वो हमें भी नहीं पता चली और ना हमने जानने की कोशिश करी, क्योंकि ये काम पुलिस का है और पुलिस अपना काम कर रही थी और पुलिस ने ही ये पूरा काम करने के बाद जो सैंपल आया फॉरेंसिक लैब से और इसके अंदर टेक्निकल सर्विलांस की मदद से और भी अन्य कई तरह से पुलिस ने इसके अंदर साक्ष्य जुटाए हैं। रवि जी को भी इन कर रहा हूँ, उसके बाद एक बार फिर से यहीं से मैं प्ले करूंगा इस ऑडियो को क्योंकि वो भी हमारे साथ जुड़ गए। रवि जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रिपोर्टर जी पर। आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी नमस्कार। हाँ सर मिल रही है। चलिए मैं चलिए मेरी जो अभी सौरभ गुप्ता जी से जो बातचीत हुई थी मैं वो अभी सुना रहा था, मैं अभी यहीं से इसको प्ले कर रहा हूँ, एक बार आप भी सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर आपसे भी बातचीत करेंगे हम लोग। जी अभी अभी एक बार ये कॉन्वर्सेशन आप सुन लीजिएगा, उसके बाद फिर आपका पक्ष भी सुनेंगे। ओके। जिनकी जानकारी पीएफए को भी बहुत कम है और उसके बाद ही पक्के सबूतों के आधार पर ही पुलिस की तरफ से कुछ किया गया और पुलिस इसके अंदर आगे भी कर रही है। इसमें जो एक बात निकल कर आई थी सौरभ गुप्ता जी कि जो एक ऑडियो राहुल का जो वायरल हुआ था जिसमें बातचीत हो रही है कि भी एल्विश ने आपका नंबर दिया है, तो क्या इस तरह का कोई ऑडियो एल्विश का भी होगा? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। ऑडियो बहुत है, एक ऑडियो नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे ऑडियो है और वो सभी ऑडियो रेड के बाद ही सबूतों के साथ 65वीं के सर्टिफिकेट के साथ पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए थे। रेड तो भी सीसीटीवी फुटेज थी वो भी सब पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी और पुलिस ही इसके अंदर पूरे विस्तृत पैमाने पर जांच कर रही है। टेक्निकल सर्विलांस की मदद से जिन लोगों को बाद में हमें पता चला अरेस्ट किया गया, हमें तो उस बारे में जानकारी भी नहीं थी कि कौन कौन लोग और हैं, हमारे पास तो एक बहुत छोटी सी जानकारी थी और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस अपना काम जो है वो पूरी तत्परता से और जो वर्कआउट केस हमने पुलिस को दिया है उस पर पुलिस आगे काम कर रही है। शुरुआत में जो आप बता रहे थे जो जानकारी मिली थी वो क्या जानकारी मिली थी कि एल्विश ही सांपों का जहर सप्लाई करते हैं या सिर्फ वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं या किसी और के लिए लेते हैं? मैं अभी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ ये जरूर है कि ये पूरा मामला जो है ये स्नेक वेनम की तस्करी से जुड़ा हुआ है, सांपों की तस्करी से जुड़ा हुआ है और बेसिकली ड्रग्स से रिलेटेड है। हालांकि जब हमारे द्वारा केस रजिस्टर करवाया गया था तो ये केस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में दर्ज हुआ था, उसके बाद पुलिस को जो भी तथ्य और सबूत मिले उनके उसके आधार पर पुलिस ने अपनी आगे जांच बढ़ाते हुए इसके अंदर जो भी उनको साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा मामले में। तो जो एल्विश का नाम जो शुरुआत में लिखवाया गया था, खैर वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस कर रही है, जो शुरुआत में आप लोगों की तरफ से एल्विश का नाम लिखवाया गया था उसके पीछे क्या आधार था सौरभ गुप्ता जी? नहीं नहीं वो बिल्कुल आप ठीक करें, तकनीकी उसका सीधा प्रभाव जो है वो ट्रायल पे पड़ता है, तो मैं माफी चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ मैं इससे ज्यादा आपको नहीं बता पाऊँ। बाकी जो एविडेंस शुरुआत में जो आप लोगों ने दिए थे, जैसे पीछे हम जिक्र कर रहे थे, करीब आप कह रहे थे करीब 20% के आसपास जो है आपने इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो दिए, बाकी पुलिस अभी मैंने आपको बोला है ना जी कि अभी तो हमने हमारे पास जो चीजें थी वो 20%
जहाँ तक मेरा भी नजर है, बाकी तो आगे काम पुलिस कर रही है। 5 महीने के अंदर जो जो चीजें पुलिस ने जुटाई है वो पुलिस का काम है, उसके अंदर कहीं भी पीएफए इन्वॉल्व नहीं है। ना पीएफए की तरफ से कोई पुलिस के ऊपर कोई दबाव है, आप समझते हैं ना, ना किसी और का पुलिस पे दबाव है। पुलिस को हमने केवल एक कुछ सबूतों के साथ हमने पुलिस को एक टिप ऑफ दिया है, जिस पर पुलिस अपना पूरा विस्तृत जांच करके काम कर रही है, लेकिन पुलिस को जो लगा होगा उसी के आधार पे पुलिस काम कर रही है। ओके, लेकिन क्या ये टिप इतनी मजबूत है कि, क्योंकि देखिए आज की डेट में ठीक है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़ा नाम हो गए, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या वो इतनी मजबूत है कि हाँ सीधे सीधे वो लिंक बन रहा है या अभी इन्वेस्टिगेशन ही है? कौन बड़ा आदमी है और कौन मजबूत आदमी है और कौन क्या है, देखिए ये कानून से ऊपर ना कोई बड़ा है ना कानून के आगे कोई मजबूत है। इस देश में सबसे बड़ा कानून है, संविधान है, और सबसे मजबूत भी कानून ही है। तो कोई भी आरोपी हो, अगर उसके खिलाफ कोई सबूत पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। जी, मैं उसका कोई, देखिए कानून में किसी चीज के लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है। जी, जो एक इसको बेल को लेकर भी एक बात हो रही है कि जो बेल जो ग्रांट हो गई, एक तरह से देखे तो लगभग सेम डे में हो गई, क्योंकि छुट्टियां बीच में थी और उसके बाद जो है कोर्ट की हड़ताल भी थी, तो क्या लग रहा है कि वो उतना मजबूती से पुलिस की तरफ से वो सबूत नहीं दिए? देखिए आप अगर बेल ऑर्डर पढ़ेंगे, बेल लेना और बेल देना जज की डिस्क्रिशन पावर है, और बेल लेना किसी भी आरोपी का अधिकार है। दूसरी बात, बेल अगर आप देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2021-22 की, जिसके तहत ये कहा गया है कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान में बेल दी जा सकती है ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही, तो यही कारण है कि बेल हो गई। लेकिन शायद इसमें जो है वो शायद 6 महीने से 20 साल तक की सजा है? नहीं, ऐसा नहीं है जी, 6 महीने से 20 साल तक की सजा किसी में नहीं है। ये 27A के तहत की, लेकिन जो सेक्शन एनडीपीएस एक्ट के लगे हैं उन सभी के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है। और मैं आपसे आपको ये सलाह भी दूंगा, या आपके माध्यम से और भी सब मीडिया चैनल्स को भी, मीडिया चैनल्स तो हालांकि इसके अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कहीं भी ऐसा कुछ गलत नहीं चला है, लेकिन हाँ कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो इधर उधर की अफवाहें फैला रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ना ही एनडीपीएस एक्ट हटा है, ना ही कोई धारा हटी है, इसके अंदर 27A नहीं था जो कि शुरू में उड़ाया जा रहा था कि 27A है, एनडीपीएस के सेक्शन है और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। हालांकि देखिए एनडीपीएस की जानकारी मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत हम लोगों को जानकारी है। एनडीपीएस एक्ट ये पुलिस का काम है तो पुलिस ने किया है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट नहीं हटा है, और बेल कोई कमजोर या मजबूत केस, क्योंकि अभी ये केस ट्रायल पे नहीं आया है, अभी ये केस इनिशियल स्टेज पर है, और इनिशियल स्टेज पर हर आरोपी का ये कानूनी अधिकार है कि उसको बेल मिल जाए। और आप देखेंगे अगर बेल ऑर्डर के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का भी जिक्र है उसके अंदर बेल ऑर्डर में, इसमें लिखा है कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान में बेल दी जा सकती है। अच्छा, दो चीजें और आखिर में चलते, एक तो आपने एक और जो शिकायत दी थी जिसमें हाईकोर्ट ने अब नोटिस किया है आपको जान से मारने की धमकी एल्विश की तरफ से, और लाइफ को थ्रेट का भी आपने जो आरोप लगाया था जी, तो वो क्या डायरेक्ट एल्विश ने ही ये धमकी दी है या फिर किसी व्यक्ति को भेजा गया था, ये किस तरह से दी? इसके अंदर मल्टीपल थ्रेट्स है नामजद आरोपी के द्वारा भी, और उसके द्वारा चलाए जा रहे कुछ अकाउंट्स द्वारा भी, तो ये सब चीजें हमने हाईकोर्ट की पिटीशन में साक्ष्यों के आधार पर, ये हाईकोर्ट ने पिटीशन दाखिल की है और हाईकोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन देते हुए इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है इस पिटीशन को, और इस पर एक विस्तृत जांच करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से भी रिपोर्ट मांगी गई है, और ये रिपोर्ट 4 हफ्ते में मांगी गई है। पिटीशन अभी प्रचलित है
और इसके अंदर 18 तारीख को गुरुग्राम पुलिस ने और हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जवाब दाखिल करना 18 अप्रैल। बस एक आखिरी सवाल, ये भी आरोप लगाया जा रहा है आपके साइड पे, आपकी तरफ आपको लगाया जा रहा है कि भी ये सारी सारी चीज़ें जो एक्सट्रोशन के लिए की जा रही है, एक विक्रम करके व्यक्ति है उनके खिलाफ भी आपने शिकायत की थी, वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके कह रहे हैं कि भी देखिए मैं किसी को नहीं जानता, पर हाँ ये जरूर है कि कुछ कुख्यात वन्यजीव तस्कर हैं जो इस पूरे मामले में इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, जो कई बार जेल गए हुए हैं। आप जिस व्यक्ति का मुझे नाम बता रहे हैं उस पर क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि कई वन्यजीव तस्कर हमारे द्वारा पकड़ाए गए हैं और कईयों पर कार्रवाई हो रही है, तो जिस व्यक्ति का आप नाम बता रहे हैं मेरे संज्ञान में भी आया था, इस पर 11 मुकदमे दर्ज हैं और ये व्यक्ति कई बार जेल जा चुका है। मुंबई में भी इस पर 4 केस रजिस्टर्ड हैं और कुछ ऐसे केस हैं जो PFA या हमारे द्वारा दर्ज नहीं कराए गए हैं, जो लोगों ने दर्ज कराए हैं, कुछ पुलिस ने दर्ज करे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये व्यक्ति कुख्यात वन्यजीव तस्कर है और इस पूरे मामले में जुड़कर खुद ये लाभ लेना चाहता है। कई बार जेल गया है और मुंबई की कोर्ट से भी इसके वारंट निकले हुए हैं, वहां भी ये पेश नहीं हो रहा है। इस तरह की भ्रामक धारणाएं, ये भ्रामक प्रचार हमारे खिलाफ कर रहा है और अभी इसी तरह का एक प्रचार इसने करा था, उसके ऊपर इस पे शालीमार गार्डन थाने में भी गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये व्यक्ति फरार है कई केसेस के अंदर, पुलिस इसके पास गई थी और ये अरेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से इन लोगों के बीच में जुड़कर ये अपनी रोटी या अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। और ये सीधी सी बात वही है कि देखिए हमारा काम है काम करना, हमारी किसी भी निजी किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। एक वर्कआउट केस हमारे सामने आया था जो हमने पुलिस को दिया है, जिस यूट्यूबर के खिलाफ या जिन लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है उन लोगों को मैं पहले से जानता भी नहीं था और हमारी कोई इस मामले में कोई भूमिका पर्सनली किसी से रंजिश निकालने की या कुछ दूर दूर तक ना हमारी है ना हमारी संस्था की किसी व्यक्ति की है। यही कारण है, देखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस है, पुलिस इसमें जांच कर रही है, पुलिस ने जांच करके ही ये सब कुछ किया है, तो इसमें PFA का कोई रोल नहीं है। PFA द्वारा किसी ने शिकायत दी गई थी जिस पर जांच पुलिस कर रही है, तो अगर अगर PFA के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो या कोई भी PFA के ऊपर आरोप लगाता है या हमारे ऊपर आरोप लगाता है तो देखिए उसमें सबसे पहले आरोपों के घेरे में तो यूपी की सरकार और यूपी की पुलिस ही आएगी, क्योंकि पुलिस ही जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। तो कोई अगर आरोप लगा रहा है तो वो लगाता रहे, उस आरोपों से हमें ना कोई फर्क पड़ता है और ना इन चीजों से हमें कोई मतलब है। कई तस्कर ऐसे हैं, कई तस्कर या कुछ ऐसे यूट्यूबर जो इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, देखिए उन चीज वो उनका अपना पर्सनल हित हो सकता है, उससे हमें ना कोई फर्क पड़ने वाला है ना हमारे काम पर उसका कोई असर होने वाला है और ना इस केस पर केस से उस चीज का कोई मतलब है। कोई भी आरोप लगाता रहे वो उसका अपना हित है। और जिन जिन आरोपियों की जिनकी भी आप बात करा रहे हैं कि बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जिम्मेदार पत्रकारिता को करते हुए आप उन लोगों का पहले इतिहास निकलवाइए कि वो लोग जो हम पे आरोप लगा रहे हैं उनका अपना निजी इतिहास क्या है। नहीं बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है सौरभ जी, किसी भी तथ्य को समझने के लिए उसकी गहराई में जाने के लिए वो बातचीत तो ज़रूरी है, इसीलिए हमने भी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए आपसे संपर्क किया, क्योंकि पक्ष तो दोनों तरफ के ही सामने आने चाहिए। तो एक आखिरी बस सवाल ये कि मतलब जो शिकायत आप लोगों ने दी है, मतलब क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं ये जानना भी चाहते हैं, और जो आपने भी एक बात कही है कि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन मतलब बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि शायद जल्दबाजी में बिगर फैक्ट्स आप लोगों ने चेक किए जो है वो शिकायत दे दी। पुलिस जल्दबाजी में अगर होता तो पुलिस 5 महीने बाद गिरफ्तारी नहीं करती, तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो बहुत ही अनभिज्ञ है तथ्यों से, उनको कुछ पता ही नहीं है, क्योंकि जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि आज FIR में नाम डाला और आज अरेस्टिंग हो गई। इसके अंदर 5 महीने की विस्तृत जांच पुलिस ने की है पहली बार, तो जल्दबाजी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरी बात ये है कि पुलिस जब इस मामले में अगर हमने कोई जल्दबाजी करी होती तो पुलिस क्लीन चिट दे चुकी होती, लेकिन अब देख ही रहे हैं कि पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी करी है, तथ्यों के आधार पर करी है। जिन लोगों को नामजद नहीं भी किया गया था उनकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, तो उसमें PFA का या हमारा इंडिविजुअल कहाँ से कोई रोल आ जाता है? ये तो पुलिस कर रही है, इसकी जिम्मेदारी, इस पर काम करने का श्रेय तो सब पुलिस का है।
पीएफए का तो है नहीं। तो बाकी अगर इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो भी आप मुझसे दोबारा बात कर सकते हैं, और अगर इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगती है, पुलिस नाम निकाल देती है, तो मैं पूरी तरह से इस पूरे मामले में अपने आप को दोषी मानूंगा। तो पहले पुलिस इस पूरे मामले में जांच पूरी कर ले और फिर आप मुझसे दोबारा बात करेंगे, तो मैं बिल्कुल आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। बाकी कुछ और भी होगा तो ज़रूर कनेक्ट करेंगे, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि आपकी सहमति से मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुभ नाम क्या बताया आपने? मेरा नाम राज के वर्मा है, मैं रिपोर्टर जी न्यूज चैनल से बोल रहा हूँ। राज वर्मा? जी जी जी, ठीक है राज जी। तो ये आप सुन रहे थे जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, जो मैंने बातचीत की सौरभ गुप्ता, जिन्होंने मामला दर्ज कराया था एनडीपीएस एक्ट का, और मेरे साथ रवि भटनागर भी, सॉरी रवि जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। हाँ तो रवि जी, आप पर भी कुछ आरोप यहाँ पर लगे थे, हमें लगा कि आपसे भी बातचीत करनी चाहिए। तो एक तो ये बताइए कि यहाँ जो शालीमार गार्डन में आपके खिलाफ जो केस दर्ज कराया है, आपके लिए कहना है कि आप एक कुख्यात वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स हैं उनकी स्मगलिंग करते हैं, तस्करी करते हैं, कुख्यात तस्कर हैं आप, इस तरह के आरोप आप पर लगे। दूसरा ये कि आपने जो है उनको डिफेम करने की कोशिश की, आपने जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर भ्रामक जो है वीडियो डाले जिनका कोई लेना देना नहीं था, और आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, आपके खिलाफ और भी बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, इस तरह के आरोप हैं। तो इस सब पर आपकी का क्या कहना है, आपका क्या पक्ष है? तो इसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा डीपली देना चाहूंगा। सन 2021 15 जुलाई इस दिन सर हमारी कंप्लेंट के ऊपर मेनका जी का एक हॉस्पिटल है दिल्ली में, संजय गांधी एनिमल केयर सेंटर, उस पर हमने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कंप्लेंट करी थी। तो एक हाई पावर डेलीगेशन ने उस पर रेड मारी थी और उसमें काफी अनियमितताएं पाई गई। तो उसके बाद से ये पूरा पीपल फॉर एनिमल मेरा और एक कैनाइन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन उनका दुश्मन बना। तो अब मैं पहले अपने एफआईआर के बारे में बता दूं, मतलब शालीमार गार्डन के एफआईआर। शालीमार गार्डन की जो एफआईआर है वो वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड नहीं है, वो गौरव गुप्ता ने एक यहाँ हिंदू रक्षा दल के अध्यक्ष हैं भूपेंद्र सिंह पिंकी जी, उनको अपने साथ ले जाकर दबाव में करवाई गई। वो एफआईआर भी सर एक मजाक है, उसके अंदर आपको इस कानून की मैं जानकारी बता दूं, 509 उस पर लगाई गई है। 509 इज हर्टिंग मोडेस्टी ऑफ ए वीमेन, इसमें कंप्लेनेंट वीमेन ही होनी चाहिए। अब या तो गौरव गुप्ता महिला है या गौरव गुप्ता ट्रांस है, तब ही वो मुझ पर एफआईआर करा सकता है, वरना वो एफआईआर नहीं करा सकता। तो यहाँ पे पुलिस के ऊपर इनका दबाव, और वो देखे कि पुलिस इनसे कितनी मतलब डरती है या दबाव में काम करती है कि 509 मुझ पर लगा देती है और एफआईआर हो जाती है। उसके बाद कहते हैं सॉरी सर, बड़ा ऊपर से प्रेशर था, ये था वो था, इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, आप आराम से बैठिए। और ये पहला इंस्टेंस नहीं है, इन्होंने 2021 में 1960 एक एफआईआर थी साहिबाबाद पुलिस स्टेशन में मुझ पर लगाते हैं, जिसमें वही 501 लगाते हैं। और एफआईआर की डेंसिटी बढ़ाने के लिए सर 194 उसमें एक्ट होता है, जुडिशियल एक्ट। 194 का मतलब होता है मैं कोई ऐसा सबूत कोर्ट में प्रस्तुत करूं जिससे सामने वाले को फांसी की सजा हो जाए या उम्र कैद हो जाए, तब वो लगता है, सेम सजा मुझे मिलेगी। 194 लगाने का राइट पुलिस के पास सर है ही नहीं। वो जब जुडिशियल मतलब सेशन कोर्ट ऑर्डर करेगा कि इस बंदे का, इस आदमी ने ये जो हमारे सामने एफिडेविट के ऊपर झूठे सबूत प्रस्तुत किए हैं, इस ऊपर 194 लगाई जाए। लेकिन इन्होंने 194 लगाई, उसके अंदर पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई मेरे फेवर के। और ये लोग एक बार भी पुलिस को अपना जवाब देने नहीं गए, पुलिस ने इनको 3 नोटिस दिए, ये नहीं गए, इनके घर पे नोटिस चिपकाए। तो मजा ये देखिए, आरोपी मैं हूँ लेकिन नोटिस इनके घर पर चिपक रहे हैं कि भैया जवाब देने आओ, ये जवाब देने नहीं गए, तो पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई। और जहां तक वन्य जीव तस्करी का सवाल है सर, कि ये एक भी एविडेंस मेरे खिलाफ नहीं ना सर, इन्होंने अब इनका कहना शायद एक एफआईआर मेरे ऊपर वन्य जीव तस्करी की है, इन्हें सब अच्छे से पता है मेरे ऊपर उन्होंने 2 एफआईआर डाली है वन्य जीव तस्करी की। एक पंजाब के अंदर मनी सिंह इनका पीएफए का ही मेंबर है, उसने मतलब कोई एक लोमड़ी पकड़ी थी या लोमड़ी की खाल पकड़ी, उसमें जबरदस्ती मेरा नाम घुसाया गया, पुलिस को मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला। दूसरा सुरभि रावत इलीगल अनऑथराइज्ड पीपल फॉर एनिमल गाजियाबाद की प्रेसिडेंट हैं और सौरभ गौरव गुप्ता की राइट हैंड रह चुकी हैं और अभी भी काफी क्लोज हैं, उन्होंने मुझ पे डाली। कहीं पर उन्होंने कछुए पकड़े थे, उन्होंने पकड़ा किसी और को, कछुए की बरामदगी किसी और से, लेकिन उसमें मेन एक्यूज बनाया गया मुझको। उसमें मैंने पुलिस वालों से कॉन्टेक्ट किया तो वो कहते हैं सर जो एक्यूज अरेस्ट किया वो भी आपको नहीं जानता और हमारे पास आपके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन सौरभ गौरव का बहुत प्रेशर, हम इसे बंद नहीं कर पाएंगे। तो मेरे खिलाफ एक आप सबूत तो लेके आइए ना, हवा में लगाने से क्या होता। और इन्होंने बोला कि यार मेरे ऊपर जो है एफआईआर के करीब, हाँ मैं मानता हूँ मैं जेल गया, लेकिन क्यों गया वो मैं बताता हूँ।
बम्बई की प्रेस, पीपल फॉर एनिमल की प्रेसिडेंट लता परमार, वो मशहूर तो नहीं, उन्हें बदनाम नहीं बोलूंगा, लोगों पे झूठे रेप केस डालना, मोलेस्टेशन केस डालना। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम कोई भी किसी पर भी कोई भी एलिगेशंस या ऐसी बात ना करें जो कि जिसमें जिम्मेदारी से सर, मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, मतलब देखिए हम चाहते हैं कि कोई भी महिला खास तौर से हो और कोई भी व्यक्ति हो, हम तो थोड़ा सा उस चीज का बस मेरे आपसे अनुरोध है कि वो हम रिक्वेस्ट करेंगे, मतलब हम किसी के बारे में भी कोई भी बात रख रहे हैं तो हम सभ्य भाषा के साथ भी रख सकते हैं या वैसे भी रख सकते हैं, तो बस मेरा सभ्य भाषा में क्या बोलूंगा मैं सर, नहीं नहीं अगर उन्होंने कोई बात नहीं, अगर वो केसेज है तो लता परमार ने ऐसे ऐसे सलीम चारणिया नाम के एक एनिमल एक्टिविस्ट पे झूठा केस रेप का डाला, और मेरे पास पूरा सबूत है, मेनका गांधी की ईमेल तक मेरे पास है जिसमें वो बोलती है सलीम चारणिया इज अ वेरी डेंजरस पर्सन, उसका ध्यान रखो। सलीम चारणिया पे रेप केस पड़ने के कुछ ही समय बाद लता परमार एक चोली से जाती है सर, क्या है 4.5 करोड़ के फ्लैट अल्टा माउंट के अंदर, और एक्सटोर्शन का इनका बहुत बड़ा काम। और सर लता परमार के ऊपर मैंने एक FIR कराई सो मोटो, सर जरा ध्यान से सुनिएगा, लता परमार, विमलेश शिवावनी, मोहित चौरे, ये पीपल फॉर एनिमल मुंबई के मेन आदमी है, मेन कार्यकर्ता, जैसे यहाँ पे गुंडागर्दी सौरभ गौरव गुप्ता की चलती है वहां पे उनकी चलती है, तो इन लोगों ने एक जगह रेड डाली, वहां से एक डालमेशियन कुत्ता सीज किया। अब ये दिखाने के लिए कि कुत्ता हमारे को गवर्नमेंट ने दिया है, सब कुछ किया, इन्होंने पुलिस ऑफिसर के लेटर हेड पर उसकी सील और सिग्नेचर काटे सर, और अपने लेटर हेड पर चिपका के सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, वो मैंने देखा। मैं उसको लेकर पार्टिकुलरली बम्बई में एक मेडिकल इमरजेंसी के लिए था सर, बेंगलोर के अंदर, बेंगलोर से सारे काम छोड़ के मैं बम्बई जाता हूँ, वहाँ कमिश्नर सर से मिलता हूँ, DCP से मिलता हूँ, और वो पुलिस सो मोटो FIR ले रही है सर उसके अंदर, और एक्स क्या लगा रही है 406, 384, 386, 419, 420, 421, 461, 469 and 471, सर 469 तभी लगता है जब उस पर एक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हो जाए, नॉन बेलेबल ऑफेंसर, सरकार के कागजों के साथ छेड़छाड़ करना, उसके अंदर वो अरेस्ट होते हैं तीन जन, उसके बाद से सारे लोग रिवेंज मोड में आ गए सर। अब मेरे पास इनके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, अब करें क्या, तो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की एक बड़ी बदसूरत खूबसूरती कहूंगा सर मैं, महिला जो बोलती है वो होता है, बदसूरत खूबसूरती ये है कि कोई भी महिला चलते रहा चलती मुझे बोलते इसने मुझे छेड़ा, 354 लग गई चौबी अंदर, इसने मेरे साथ ये क्या वो क्या केस लग गया। तो पीपल फॉर एनिमल के मैं आपको एक डेटा मैप भी प्रोवाइड करूंगा और आप भी अपनी रिसर्च करिए, इंडिया में इन्होंने हर्टिंग मोडेस्टी ऑफ वीमेन के कितने केस डाले उसके ऊपर आप रिसर्च करिए और पब्लिक के सामने लाइए। और मैं आपको इनकी बहन की भी रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, लता पर मेनका गांधी की जो बहन है अंबिका शुक्ला, जो खुलेआम बोल रही हैं कि पुलिस को फोन करके बुलाओ, हल्ला मचा, अरे यहाँ हल्ला मच गया, मेरे को यहाँ छेड़ा वहाँ छेड़ा, तो FIR कराओ। तो ये जो हर्टिंग मोलेस्ट वीमेन महिला का केंद्रित कानून है उनका मिस यूज करते हैं, जब उससे भी आदमी नहीं डरता तो वाइल्ड लाइफ के ऊपर जाते हैं। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, सौरभ गौरव गुप्ता इस देश के लिए एक कोड़ है, समाज के लिए एक कोड़ है, गंदगी है सर, इनका कुछ काम नहीं है, ये सिर्फ एक्सटोर्शन का काम है। मैं आपको एविडेंस दे सकता हूँ, मेनका गांधी को मतलब क्या बोलना सर, एक महिला है, मतलब एक महिला होते हुए किसी के बारे में भी, देखिए हम किसी के बारे में भी कोई ऐसे अपशब्द से परहेज करेंगे, हम अपनी बात क्या सर, एक बात बताइए सर, अगर कोई आदमी घटियापन क्या कर रहा है घटिया बोलने अपशब्द दे सर, नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए आदमी आराम ज्यादा बोले वो चलेगा, किसी लड़की को आप लोग, यह सौरभ गुप्ता की मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ कि लड़की को रंडी बोल रहे हैं वो चलेगा, मतलब ये पावरफुल आदमी है, पुलिस पे प्रेशर डालते हैं तो ये चलेगा, रिकॉर्डिंग सौरभ गुप्ता को भेज देना, पुलिस को दे दे वो, मैं झेलूंगा लीगलिटी, ब्लैक बिजनेस में बोल रहे रवि जी सुनिए कुछ चीजों को थोड़ा हमें समझना होगा कि हम बतौर एक जिम्मेदार मीडिया, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है, देखिए कौन व्यक्ति क्या है, कैसा चरित्र है, हम किसी का यहाँ बैठ के चरित्र पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, हम लीगल जो पहलू है उस पे चर्चा कर रहे हैं। मैं इसीलिए मैंने आपको भी इनवाइट किया है, सुनिए मैंने आपको भी इसीलिए इनवाइट किया, मैं चाहता हूँ कि आप भी अपना पक्ष रखें, लेकिन हम किसी को भी किसी भी तरह के मेरा पक्ष आप देखिए, हाँ प्लीज पक्ष आप रखिए, सर हाँ प्लीज आप ये FIR देखिए, गाजियाबाद पुलिस की 100 मोटे FIR, सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता की बीवी कामनी के खिलाफ,
इसमें इन्होंने क्या किया, किसी से एक्सटॉर्शन का इनका, गाजियाबाद के काफी बड़े बिजनेसमैन थे, उनसे आप इन्हें मुझे एक्सटॉर्शन एफआईआर वगैरह करके कुछ व्हाट्सएप कर सकते हैं? व्हाट्सएप में ऐसा है, मुझे इसके इन पे लेना, इसलिए व्हाट्सएप वाले फोन से मैं कनेक्ट हुआ हूँ आपसे, कोई बात नहीं, बाद में आप तो कर मैं आपको कीजिएगा करता हूँ। बाद में। जी हाँ तो इसमें ये पुलिस अधिकारी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, कहते हैं तेरी याद भाई तेरे अंदर डाल दूंगा, बिल्कुल अप्रोप्रिएट यही वर्ड है सर, मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा आपको, ये प्ले हो चुकी है कुछ चैनल्स के ऊपर, पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस अधिकारियों को धमका रहे हैं, पुलिस स्टेशन के मेन पुलिस स्टेशन में, बाहर नहीं सर जहाँ पे एफआईआर लिखी जाती है ना ऑफिस, वहां पे कि तूने ये करा, तूने रिश्वत खाई, और ये कहते हैं कि इन्हें जान का खतरा है सर, इन्हें जान का खतरा कहां से हो गया, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से इन्हें सिक्योरिटी मिली हुई है, घर पे सिक्योरिटी गार्ड है, खुद ये घूमते हैं रिवॉल्वर लगा के ये घूमते हैं, लोगों को कहते हैं तेरे मतलब पिछाड़े में वो मतलब मसाला भर देंगे, ये गुंडे हैं सर खुद बार बार वही, मैं बार बार, रवि जी मैं समझ रहा हूँ आपकी भावनाओं को, मैं समझ रहा हूँ। सर। भावना नहीं, आप मैं रिटर्न में जितना दे रहा कह हूँ, रहे हैं इनके वो वर्ड्स हैं बिल्कुल सर, ठीक एविडेंस के साथ है। दे रहा हूँ, समझ मेरे वर्ड्स नहीं है, इन्हीं के वर्ड्स से ऑन रिकॉर्ड लो पर एफआईआर कैसा। को। देखिए हमारे साथ अभी ऐसे भी बच्चे भी, बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं। देखिए मेरा, मैं क्यों बार बार ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे फैन भी हैं अलविश के, जो कम उम्र भी है, कम 17 18 20 साल के यूथ भी है, अच्छा या बाकी और भी लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ महिलाएं भी हैं बाकी, मतलब आप थोड़ा समझिए। तो मैं उस चीज को हमें रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई व्यक्ति गलत है तो इसका मतलब ये नहीं हम भी गलत हो जाए, तो ये हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं बार बार उस चीज का कह रहा हूं। अगर कोई शब्द, देखिए अगर हम कोई एफआईआर कहीं लिखवाने जाते हैं, थोड़ा सा और आपको मैं ब्रीफ कर दूं, किसी ने किसी के खिलाफ कुछ ऐसे अपशब्द बोले और वो बहुत गंदे वो है, तो वो व्यक्ति अपनी शिकायत में उन अपशब्दों का जिक्र करता है, और वो अपशब्द एज इट इज जो है एफआईआर में भी आ जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन अपशब्दों को हम एज इट इज उसी तरह से बोलकर बताएं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। हम फिर वहां गुरेज क्या करते हैं, आप देखते भी होंगे, हम उन चीजों को ब्लर करते सर, हैं या उनको इसी हटकट चीज कर का देते फायदा हैं। उठा रहे हैं ना सर, इसी चीज नहीं का वो फायदा चीज उठा रहे हैं कि हम लोग कानून आप से उनको बंधे हुए हैं, सुनिए, हम आप बोल नहीं रिटर्न सकते, ये कुछ भी सुनिए, कर देते हैं। नहीं नहीं सर रवि जी सुन तो लीजिए प्लीज, जो भी कोई इस तरह के अपशब्द या कोई बातें हैं, तो आप वहां पर ये कीजिए कि कुछ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कीजिए जिनको बोलकर भी नहीं कह सकते, वो सबको समझ में चलिए आता ठीक है है किस सर, तरह की चीजें हैं। अगर किसी ने किसी को गाली दी है तो हम सीधे उस गाली को ही यहाँ आकर नहीं ब्रीफ करें कि ये गाली ये वाली दी है, नहीं हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं अपशब्द हैं जिनको नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा है। मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना, देखिए मैं भी सारी चीज ब्रीफ कर रहा हूँ, और यहाँ देखिए मैं सब लोगों को जो है सामने लाना चाह रहा हूँ, तो वो भी जरूरी है। आप अपनी बात सर कीजिए, सौरभ होता गौरव क्या के है बोलिए कि चैनल पे है मेरे सामने, सौरभ गौरव का मैंने ज्वाइन कर रही है सर, अभी 10 मिनट में सर दे लीजिए फिनिश, मैंने लीगली मैंने फिनिश दस उनको मिनट में मैंने सर। देखिए मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को भी आमने सामने लाने की, लेकिन जो एफआईआर आप दिखा रहे थे, जब बाकी जो प्रूफ दिखा रहे उस पे आइए। होगा क्या ना, अननेसेसरी हम बात को जहां हमने एड्रेस करना चाहिए वहां एड्रेस ना करके हम उसको कहीं और ले जाएंगे, तो वो नहीं, हम सर मैं सीधे सीधे आपको उसी पर एलवी जी के जाएंगे। मैटर पे आते हैं सर, चलिए एलवी जी यादव जी के मैटर पे आते हैं सर, वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर एक WLP 50 सेक्शन है, उसमें पुलिस के पास जो अधिकार हैं सीजर के हैं अरेस्ट के हैं ये सारे राइट्स हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ 50 भी अपने आप में क्राइम नहीं, इन्होंने WLP 50 लगाया, लेकिन उसके अभी आपको डिटेल बताता हूँ। फिर एक 55 के अंदर कुछ ऑफिसर डेफिनेट है कि वो जो उस पर कॉग्निजेंस उनकी कंप्लेंट पे हो सकता है। सौरभ गौरव गुप्ता इज ए प्राइवेट पार्टी, इनको कोई भी राइट नहीं है कि वाइल्ड लाइफ में किसी के ऊपर FIR करें, पूरी जिम्मेदारी के साथ से आपको मैं बोल रहा हूँ, इस FIR को बेसिकली आप चलें, जो एलवी यादव जी के ऊपर हुई है, मेरे ऊपर हुई है, किसी भी वाइल्ड लाइफ में किसी प्राइवेट पार्टी ने FIR करी है, वो नल एंड वाइट है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, लेकिन क्या है पुलिस को ऐसे कानूनों की ज्यादा जानकारी नहीं होती तो वो ले लेते हैं। अब सर आपको एक टेक्निकल पॉइंट, जब इन्होंने एलवी यादव जी के यहाँ एलवी यादव वाले केस के अंदर रेड मारी, सपेरे बुलाए, वहां पे 3 पार्टी मौजूद थी, 4 पार्टी, एक तो जो राहुल वगैरह जो सपेरे आए वो, नंबर 2 पीपल फॉर एनिमल की टीम, नंबर 3 वाइल्ड लाइफ की टीम, नंबर 4 पुलिस टीम। अब वाइल्ड लाइफ इज अ प्रॉपर्टी किसकी है सर, आपसे एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी किसकी है, ठीक बात है, वन्य फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वन्य विभाग, स्टेट, वाइल्ड लाइफ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्टेट। अब मेरे घर में चोरी होती है तो राजस्तर जी FIR लिखाने नहीं जाएंगे, मैं FIR लिखाऊंगा सर, कंप्लेंट मैं लेके जाऊंगा, वाइल्ड लाइफ की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम मौजूद है, तो वो 100 मोटो FIR क्यों नहीं की गई, सबसे पहली बात सर, वाइल्ड लाइफ की प्रॉपर्टी है ना, सरकार की प्रॉपर्टी है तो सरकार FIR कराएगी ना। अगर आज मैं एक पुलिस वाले के थप्पड़ मारता हूँ तो आप FIR नहीं करा सकते, आप इन्फॉर्मेंट हो सकते हैं कि इसने पुलिस वाले के थप्पड़ मारा, एविडेंस देंगे, FIR पुलिस वाले करेंगे 100 मोटो। उस सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में CRPC के कुछ नियम्स हैं, हर चीजें होती हैं, और इससे ये स्पेसिफिक एक लॉ है वाइल्ड लाइफ, तो ये FIR ही नल एंड वाइट है सर, आप इसके ऊपर आप इनसे पूछिए कि इन्होंने कैसे कराई है FIR। वाइल्ड लाइफ में कोई भी प्राइवेट पार्टी नॉट ऑथराइज्ड सर,
और दूसरा एनिमल वेलफेयर बोर्ड की गाइडलाइंस हैं कि ये लोग किसी भी एनजीओ, कोई भी एनजीओ, प्राइवेट पार्टी, कोई भी किसी पर रेट नहीं मार सकता, सीजर वगैरह का राइट नहीं है। तो अब इन्होंने क्या क्या, पहले खुद से खुद सीज करके थे, संजय गांधी हॉस्पिटल एनिमल ले जाते थे, वहां से अगले दिन कहते थे मर गए, भेज देते थे। कोर्ट के काफी ऑर्डर्स मेरे पास हैं, इनके ऊपर काफी डैमेजेस लगी हैं। सौरभ गौरव गुप्ता का कहना है कि इन्होंने 800 से ज्यादा एफआईआर पूरे इंडिया में अभी तक करी है। उन 800 एफआईआर के ऊपर ये बता दीजिए कन्विक्शन कितनी है, फाइनल रिपोर्ट कितनी है और चार्जशीट कितनी है, आपको पता चल जाएगा कितने दूध के दूध हैं। अब आपने मुझे बोला है कि कुछ ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं, कुछ चीजें नहीं बोलनी, तो मैं काफी कंट्रोल होकर बोल रहा हूँ, वरना ऐसे ऐसे सबूत है कि सर वो आप यहाँ प्ले करेंगे ना तो आप अपने कानों में एसिड डाल लेंगे सर, एसिड नहीं, मैं वो ऐसे समझ रहा ऐसे हूँ, मैं शब्द। बात समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं जो बार बार कह रहा हूँ, मैं आपको कोई भी बात बताने से रोक नहीं रहा हूँ, मैं आपकी बात रखने से आपको बिल्कुल नहीं रोक रहा हूँ, एकदम बात रखिए। और मेरा सीधा सजेस्ट, जहां जो जितनी बात है हम सच को सच की तरह ही पेश करें, उसमें कहीं भी कुछ जबरदस्ती ठूसने की कोशिश ना करें, वही है। और मैं आपको नहीं, बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी जुड़े हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया को ये ना मान लें कि ये तो बस एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है, यहाँ तो हम आकर कुछ भी कह देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ बच्चे भी होते हैं, कब नहीं, कौन वीडियो प्ले करे, और वहां तो बस उतना सा रिक्वेस्ट है। बाकी अच्छा जो भी ये मैं मुझे बोल रहा हूँ बताइए, सर आपको पूरी कितने जिम्मेदारी सवालों में का ले रहा जवाब हूँ, दें। लीगल लीगल कॉन्सिक्वेंसेस की सर पूरी हाँ जिम्मेदारी में ले रहा हूँ। अक्सर मैं जी आपको एक चीज मजेदार बताता हूँ, मैंने पिछले साल 6 जनवरी 2023 को विजयनगर थाने में पीपल फॉर एनिमल की दुर्गा राय लता परमार के खिलाफ एक FIR कराई, 153 सेक्शन 153A B 295, काफी मतलब राजद्रोह की मतलब उसमें हेट स्पीच का था। तो उसके डाइल्यूट करने के लिए मुझे बम्बई में इन्होंने क्या है, लता परमार ने मुझ पर डाला 509 354 D2 का केस। 354 D2 होता साइबर स्टॉकिंग सर, और 354 की डेफिनेशन आप जाएंगे तो अगर हम किसी का क्राइम उजागर करने के लिए उसे स्टॉक कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे, तो वो स्टॉकिंग नहीं कहलाती। और 509 सर, मैं यहाँ बैठे बैठे उसकी 509 कर दी सर, मतलब वो आप छोड़ दीजिए। तो मेनका गांधी के प्रेशर मुझे गिरफ्तार किया गया, मैं आपको कमिश्नर को लिखा लेटर दिखाऊंगा, मेरे पे प्रेशर डाला गया कि लता परमार पे जो 100 मोटो FIR बॉम्बे में मेरी कंप्लेंट पे हुई है 469 की, उस पर मैं गवाही देने ना आऊं। 153A की जो ये मेरी 16/23 FIR विजयनगर थाने की है, इसको मैं वापस ले लूं, जो मैं नहीं माना। तो ये एक मतलब जैसे होता है ना सर, एक रेबिटिक कुत्ता की यार इसने भी सुने नहीं सर कैसे काटे, तो उस पर लगे थे। और इनका सर एक्सटोर्शन का बिजनेस है, एलविश यादव जी को इन्होंने हिट किया तब काफी लोगों के दिल में डर बैठ गया, यार एलविश यादव इतना बड़ा आदमी है, उसकी इन्होंने मतलब वो एक ऐसी की तैसी कर दी तो हमारी तो औकात क्या है। तो इनका एक्सटोर्शन बहुत अच्छी मिलेगी सर। सौरभ गौरव गुप्ता से पूछा जाए इनका बिजनेस क्या है, ये क्या काम करते हैं, क्या दुकान है, कहाँ नौकरी करते हैं, कहाँ से इनका पैसा आता है, इनका आपका राजेंद्र ये नगर में कहना है कि एक जितने भी केसेस डाले जाते हैं या इस तरह की जो चीजें सामने आती हैं, उसके पीछे मकसद ये है कि पैसे की उगाही कैसे कर ले, ये कहना चाह रहे हैं आप। एक्सटोर्शन मकसद नहीं सर, एक्सटोर्शन ही होती है उसके अंदर। और ये जो ट्रक्स पकड़ते हैं सर, ये वो ट्रक पकड़े जाते हैं जो इनको महीना नहीं देते, मतलब फिर बाद में उन्हें पैसे लेके छोड़ दिया जाता है, जो नहीं देता उसको ये उसमें फिक्स कर देते हैं। इसके भी मतलब कोर्ट के भी काफी ऑर्डर इनके एडवर्स हैं सर। इसके आपको एक अलावा बहुत जितने बढ़िया भी एक जो इंसिडेंट इनके, सुनाता हूँ सर, हाँ प्लीज। एक बहुत बढ़िया आपको कहानी सुनाता हूँ सर, हरियाणा की कहानी है। इन्होंने चंडीगढ़ में शायद एक किसी को जानवर पकड़े, तो वो केस जब चला तो बाद में सौरभ गौरव गुप्ता और पुलिस वाले पे कोर्ट ने उल्टा कोर्ट का केस का ऑर्डर दिया, उस पर केस चलना शुरू हुआ। गौरव गुप्ता के खिलाफ कोर्ट का ऑर्डर आता है कि कोर्ट की बातें नहीं मान रहा, प्रेजेंट नहीं हो रहा, इसके खिलाफ वारंट इश्यू करो। वारंट इश्यू होता है ये कोर्ट में, वो वहां नहीं जाते, नॉन बेलेबल वारंट इश्यू होता है, नॉन बेलेबल वारंट के ऊपर जाता है, उसको क्या एक नई बेल लेता है। इनको कन्विक्शन पक्की थी, ऑल ऑफ सडन सर नेक्स्ट डेट जो होती है स्टेट गवर्नमेंट ये लिख के दे देती है हम ये केस लड़ना नहीं चाहते, केस विथड्रॉ करते हैं। मतलब मेनका गांधी का इतना इन्फ्लुएंस है कि जब इन्हें सजा होने वाली होती है, कन्विक्शन होने वाली होती है, तो एक लेटर के थ्रू मतलब एडिशनल चीफ सेक्रेटरी चिट्ठी लिख देता है कि ये स्टेट डोंट वांट टू फाइट दिस केस, डोंट वांट टू कॉन्टेस्ट दिस, इसको विथड्रॉ कर लिया जाए। वो केस विड्रॉ हो जाते हैं, बच के आ जाते। फिर इनकी हिम्मत इतनी खुल जाती है कि भाई जिस मर्जी को इन्होंने रगड़ो, मतलब सर ये एक पूरा का पूरा एक नेक्सस चल रहा है पूरे इंडिया के अंदर। एनिमल वेलफेयर कुछ नहीं है, एनिमल इज ए बाई प्रोडक्ट, बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ सर मैं आपको। काउ स्लॉटरिंग में सौरभ गौरव गुप्ता इन्वॉल्व है, काउ एनिमल वाइल्ड लाइफ में स्मगलिंग में ये लोग इन्वॉल्व है, इनकी प्रॉपर्टी की आप डिटेल निकालो ना सर। राजेंद्र नगर में इनका एक बंगला सर, वो इनके फादर के नाम था, फादर का खैर पर्सनल लाइफ है, इन्होंने मतलब किस करी करके फादर को इन्होंने बाहर किया, जो धक्के खा रहे हैं वो एक अलग बात है, वो यहाँ नहीं इश्यू करूंगा। चार इनके फ्लैट है करोड़ रुपए के, मतलब अच्छी अच्छी ओडिस जैसी गाड़ियों में ये घूमते हैं, आती कहाँ से इनके पास, काम धंधा तो इनका कुछ है नहीं, घर पे बैठे हुए बैठे रहते हैं, अय्याशी करते रहते हैं सर ये तो अपनी। इनके पास इतना खर्चे का पैसा, 80-80 हजार रुपए महीने का बिजली का बिल सर
कमाई इनकी सर 800 रुपए की नहीं सर, मैं फिर भी 10-15 हजार रुपये 20 हजार रुपये महीना कमाता हूँ, टेंट का काम करता हूँ, इनकी तो सर 10 रुपए की भी कमाई नहीं है सर, तो ये खर्चे आ कहाँ से रहे हैं सर इनके पास? लेविश लाइफ, 3-3 लाख के हाथ में ब्रासलेट है, 2-2 लाख की गले में चेन है, पुलिस वालों को बोलते हैं तेरी साले औकात दिया है, तेरे जैसे तो मेरे यहाँ पानी भरते हैं। और सर एक मजेदार बात, मैं इनके 3 पुलिस विक्टम बता रहा हूँ आपको, तीनों के तीनों यादव, 2 पुलिस विक्टम है और एक एलविश यादव जी, सुरेंद्र सिंह यादव विजयनगर पुलिस स्टेशन जिनके ऊपर एफआईआर की कॉपी दिखाई, फिर धर्मेंद्र यादव जी गाजियाबाद के एसपी थे जिन्होंने मेनका के प्रेशर में आके इनको प्लीज करने से मना कर दिया था। तो मेनका गांधी जी वीके सिंह जी को फोन करते हैं, वीके सिंह जी अखिलेश जी को फोन करते हैं और अखिलेश जी बड़ी रिक्वेस्ट से बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं और धर्मेंद्र यादव जी का गाजियाबाद से ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि उन्होंने किस लिए कि इनकी बात नहीं मानी। अब सुरभि रावत ने मुझ पर सर उसकी भी थोड़ी कहानी सुनी है, सुरभि रावत ने मुझ पर एक केस डाला है वाइल्ड लाइफ क्रूचिंग का, वो कहती है मैं गाजियाबाद पीपल फॉर एनिमल की प्रेसिडेंट हूँ, गाजियाबाद में पीपल फॉर एनिमल नाम का कोई जीव जंतु है ही नहीं सर, यहाँ पे 2 NGO है पीपल फॉर एनिमल सोसाइटी और पीपल फॉर एनिमल, एक की जो प्रेसिडेंट है कोई सुमेधा अय्यर है और एक की कोई शर्मा शर्मा है, सुरभि रावत का प्रेसिडेंट वाला पीपल फॉर एनिमल मेनका गांधी का यहाँ है ही नहीं, और इन्होंने नगर निगम से झूठ बोल के सर ABC का टेंडर लिया हुआ है वहाँ पे जो अब कैंसिल हुआ है 2 साल पहले, मतलब ये सर बहुत बड़ा फ्रॉड, ABC के टेंडर लेना एनिमल्स के नाम पे मतलब एक्सटॉर्शन करना है बहुत बड़ा रैकेट है सर इनका। और सर आप भी जानते हैं जब एक सरकार पुलिस के बारे में बिल्कुल साफ बोलूंगा, पुलिस सरकार की भूत, जिसकी सरकार उसकी भूत, बाकी जो फालतू बोले उसका बना देती है भूत, तो जिसकी सरकार है उसी को फेवर करेगी सर पुलिस बिल्कुल। और मैं बिल्कुल ऐसे आपको एक रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ सर, सर एक हेड स्पीच का मामला जिसमें सौरभ गौरव नहीं, क्या कोई ऑडियो सुना रहे हैं आप या पढ़ के सुना रहे हैं? ऑडियो सुना रहा हूं सर, ऑडियो नहीं, एक बार मैं मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि थोड़ा सा ना ऑडियो हम लोग प्ले करने से पहले, अगर मैं उसको पहले एक बार सुन लूं उसके बाद देन हम प्ले करें, मतलब मुझे आपत्ति नहीं, भगवान को गाली दे रही है, खुदा और भगवान को गालियां दे रही है दुर्गा राय। अच्छा नहीं नहीं प्लीज, मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उस तरह का ऑडियो हम अवॉइड करेंगे, मैं जैसे पहले भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि किसी भी तरह की असभ्य भाषा कोई भी ऑडियो प्ले नहीं कर पाएंगे, कोई भी ऑडियो इनका डिसेंट नहीं है सर, तो हम कोई ऑडियो प्ले कर ही नहीं सकते, कोई ऑडियो डिसेंट है ही नहीं। हाँ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई भी ऑडियो आप पहले एक बार आप मुझे शेयर कीजिए, मैं एक बार उसको थोड़ा सा एक बार जांच लूँ। हमारे जो एडिटोरियल पॉलिसी है, देखिए मैं किसी भी चीज से मना नहीं कर रहा हूँ, किसी भी सबूत से मना नहीं कर रहा हूँ पेश करने रखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बुलाया इसलिए। हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन संविधान CRPC की यही तो समस्या है, आप आरोप लगा के भाग जाओ और आरोपी अपना जो है पक्ष रख ही नहीं पाता कि समस्या है कि तुम ये नहीं बोल सकते, तुम बोल नहीं सकते, पुलिस की समस्या ये है कि भाई ऊपर से प्रेशर है, मीडिया की समस्या है कि यार हम जो है ये चलाएंगे तो यार पब्लिक को बुरा लगेगा, कानून की समस्या जो महिला बोले वो सही है तो भैया क्या फांसी लगा के लटक के मर जाएंगे हम लोग? नहीं नहीं रवि जी, आप ये बताओ ना राजी, आपकी तकलीफ नहीं, आपकी तकलीफ ठीक है, मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ, मैं एग्री करता हूँ, नहीं तकलीफ मुझे नहीं है सर, कह रहा हूँ मैं तो लड़ रहा हूँ, मैं तो अपने सर पे कफन बांध रखा है, नहीं नहीं तो सर पे कफन बांध लिया या तो पीएफ में नहीं है, मैं जिम्मेदार जिम्मेदार बार बार जो मैं कह रहा हूँ, जितने लोग अभी भी जुड़े हुए हैं जो देख रहे हैं सुन रहे हैं वो भी मेरी इस बात से सहमत होंगे, जिम्मेदार मीडिया होने के नाते हम किसी भी असभ्य भाषा को जो है प्रमोट नहीं करते, हमें नहीं प्रमोट करना चाहिए, हम अपनी बात रखेंगे। देखिए सच्चाई और न्याय की लड़ाई को हम सही तरीके से, सही भाषा के इस्तेमाल से, सही बातचीत के साथ भी लड़ सकते हैं और उसको जीत सकते हैं, उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई दूसरा व्यक्ति अगर किसी तरह से गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसी की तरीके से उसके साथ व्यवहार करें, ऐसा कतई जरूरी नहीं है, और अपनी लड़ाई को हम अच्छे से आगे बढ़ा सकते हैं, रख सकते हैं, और ये सबको समझ में आता है रवि जी की कौन व्यक्ति, मैंने सुना है वो आप जिस शायद जिस ऑडियो की बात कर रहे हैं वो मैंने सुना है उस पर, और उसके में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है संविधान को लेकर या फिर धर्म को लेकर, वो बिल्कुल बहुत आपत्तिजनक है, वो इतना आपत्तिजनक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं कम से कम अपने खत्म करने की प्लानिंग है सर, मैं आपको बताता हूँ, निपुण अग्रवाल नाम के यहाँ पे एक DCP थे जिनके पास में सारे सबूत लेके गया, तो उनका ये कहना था मेरे कमरे से बाहर निकल जाए नहीं तो उठा के अंदर डाल दूंगा, मेरी गला को हाथ पकड़ के धक्के देके बाहर निकाला, कहते हैं वो भी बनी सौरभ गौरव गुप्ता भी बनी है, मैं भी बनिया, कुछ नहीं करने वाला, ज्यादा बोलेगा तेरी जिंदगी खराब कर दूंगा, निपुण अग्रवाल IPS ऑफिसर DCP CT के बारे में बता रहा हूँ, और अनिता चौहान SHO विजयनगर ने इनको बहुत सपोर्ट किया सर, मैं खुल के बोल रहा हूँ मुझे बिल्कुल डर नहीं है, आप मुझे 2 बार जेल भेजो, 10 बार जेल भेजो, फांसी चढ़ाओ, सच्चाई के लिए मैं लड़ रहा हूँ, पीपल फॉर एनिमल इज ए थ्रेट फॉर द सिविल सोसाइटी एंड मेनका गांधी पार्लियामेंटेरियन, तो छोड़ो सर
वो शायद अब फिर आप बोलोगे इंडिसेंट भाषा बोल रहे हैं, शी इज अ गटर नहीं, माउथ, फिर मैं सिंपल नहीं, बात। उसके तो मैं बिल्कुल भी साथ नहीं हूँ बिल्कुल। हाँ प्लीज, अच्छा चलिए एक हाँ बार तो फिर ना इसलिए बात, आपसे बातचीत रखेंगे, आपसे बातचीत जारी रखेंगे एक बार फिर से, क्योंकि कुछ अभी तो नए सच हम बोल व्यूअर नहीं हमारे साथ। सकते, सच हम बोल नहीं सकते क्योंकि हमारी फाउंडेशन है, मुंह के ऊपर ताला लगा कानून सच का, वही है बोलने वो जो से सब रवि गांधी जी, जी सच के बंदर बन बोलने के। से कोई नहीं रोक सकता आपको, ना किसी और व्यक्ति को। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि उस सच को हम सही भाषा के धागे में पिरो के बोले, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं है। चलिए एक बार फिर से जो है, एक बार मैं वो ऑडियो ऑडियो में प्ले करके सुनाऊं, बहुत सारे अभी नए व्यूअर्स जुड़े हैं हमारे साथ, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट भी आई है कि वो अभी जुड़े हैं तो वो सुनना चाह रहे हैं जो सौरभ गुप्ता से मेरी बातचीत हुई, और जितनी भी बातचीत जहां जहां भी हो रही है हम वो तमाम पक्ष जो है साफ गोई से आप लोगों के सामने रख रहे हैं। जैसे कि एल्विश के मामले में भी हमने जो स्टैंड लिया एल्विश के साथ खड़े होने का, उसके पीछे के कारण ये थे कि एक बड़ा तबका मीडिया का जो है वो अगेंस्ट बात कर रहा था, अगेंस्ट इन द सेंस ये कि जब तक जुर्म पर जो है एल्विश के वो मामले साबित में, ही नहीं एल्विश के हुआ। मामले में मैंने 23 नवंबर लास्ट ईयर को पब्लिक कर दिया था कि एफआईआर झूठी है सर, और इस पे मेरे पे इन्होंने एफआईआर डाली है गौरव गुप्ता ने 509 की। और मैं अभी भी सर आपके माध्यम से ये पूछना चाहूंगा, गौरव गुप्ता से वो महिला है या ट्रांसजेंडर है प्लीज मुझे बता दे, क्योंकि वो चलिए एफआईआर सर महिला ट्रांसजेंडर ही डाल सकते हैं सर, वो और कोई तकनीकी नहीं वो डाल है। चलिए हाँ सकता। ठीक ठीक जी रवि जी, मैं एक बार ये ऑडियो सुनाता हूँ आपसे, फिर ये चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो मेरी डिस्कशन हुआ था, बहुत सारे लोग अभी नए जुड़े हैं, एक बार इसको मैं फिर से उनके लिए प्ले कर रहा हूँ। अब आपकी परमिशन होगी तो देन मैं अब ये कॉन्वर्सेशन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज। हेलो, हाँ मतलब अगर आप अलाउ कर रहे हैं देन मैं ये कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, प्लीज बताइए। देखिए जो भी चीजें रेड के दौरान हुई हैं वो पूरी जिम्मेदारी के साथ हुई है, तथ्यों के आधार पर हुई है, ठीक है, और जानकार सूत्र जो भी इस पूरे मामले में इंफॉर्मर्स थे, या आप ये कह लीजिए कि जिन्होंने भी इस बार हमारे मामले में सूचना दी, ठीक है, वो इन्हीं के ही बीच के लोग होंगे जिनकी तरफ से ये सूचनाएं आई हमारे पास, पीएफए को या पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, तो सपने नहीं आ रहे होते हैं, आप समझ रहे हैं ना, जी जो भी इंफॉर्मर्स होते हैं इंफॉर्मेशन के बेस पर ही काम होता है। पीएफए एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, इसीलिए जितनी भी हमारे पास चीजें आई उन्हीं के आधार पे हमने रेड करी, रेड में सब सामान जो भी रिकवरी हुई वो रिकवरी पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ की गई, ठीक है जी, जी एफआईआर में जो भी नाम रजिस्टर्ड किए गए वो पकड़े गए आरोपियों के डिस्क्लोजर के आधार पर किए गए, और ये कोई पीएफए ने नहीं किए, इसके अंदर पुलिस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सभी की सहमति थी, और तथ्यों के आधार पर सबूतों के आधार पर ही एफआईआर में नाम मेंशन किया गया था, इसमें लीड हमारी जरूर थी, ठीक जी है, जी और उसके बाद अब इस पूरे मामले में मैं ये भी नहीं कहता कि देखिए कि किसी का भी एफआईआर में नाम हो तो उसको उसकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए, हम ये कभी नहीं कहते हैं, ठीक है ना, हमने कहा, और यही कारण है कि आज पिछले 5 महीने से नोएडा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और इन्वेस्टिगेशन में जो जो चीजें आई वो हमें भी नहीं पता चली और ना हमने जानने की कोशिश करी, क्योंकि ये काम पुलिस का है और पुलिस अपना काम कर रही थी, और पुलिस ने ही ये पूरा काम करने के बाद जो सैंपल आया फॉरेंसिक लैब से और इसके अंदर टेक्निकल सर्विलांस की मदद से और भी अन्य कई तरह से पुलिस ने इसके अंदर साक्ष्य जुटाए हैं जिनकी जानकारी पीएफए को भी बहुत कम है, और उसके बाद ही पक्के सबूतों के आधार पर ही पुलिस की तरफ से कुछ किया गया और पुलिस इसके अंदर आगे भी कर रही है। इसमें जो एक बात निकल कर आई थी सौरभ गुप्ता जी, कि जो एक ऑडियो राहुल का जो वायरल हुआ था जिसमें बातचीत हो रही है कि भी एल्विश ने आपका नंबर दिया है, तो क्या इस तरह का कोई ऑडियो एल्विश का भी होगा? ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ऑडियो बहुत है, एक ऑडियो नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे ऑडियो है और वो सभी ऑडियो रेड के बाद ही सबूतों के साथ 65 वी के सर्टिफिकेट के साथ पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिए थे, रेड जो भी सीसीटीवी फुटेज थी वो भी सब पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली थी, और पुलिस ही इसके अंदर पूरे विस्तृत पैमाने पर जांच कर रही है टेक्निकल सर्विलांस की मदद से, जिन लोगों को बाद में हमें पता चला अरेस्ट किया गया, हमें तो उस बारे में जानकारी भी नहीं थी कि कौन कौन लोग और हैं, हमारे पास तो एक बहुत छोटी सी जानकारी थी,
के आधार पे केस रजिस्टर्ड करवाया गया। उसके बाद तो पुलिस ही अपनी विस्तृत जांच कर रही है और जो भी लोग अरेस्ट हो रहे हैं जिनकी भी इन्वॉल्वमेंट हो रही है वो पुलिस ही कर रही है और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस अपना काम जो है वो पूरी तत्परता से और जो वर्कआउट केस हमने पुलिस को दिया है उस पर पुलिस आगे काम कर रही है। शुरुआत में जो आप बता रहे थे जो जानकारी मिली थी वो क्या जानकारी मिली थी कि एल्विश ही ये सांपों का जहर सप्लाई करते हैं या सिर्फ वो अपने पर्सनल यूज के लिए लेते हैं या किसी और के लिए लेते हैं? मैं अभी इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा। हाँ ये जरूर है कि ये पूरा मामला जो है ये स्नेक वेनम की तस्करी से जुड़ा हुआ है, सांपों की तस्करी से जुड़ा हुआ है और बेसिकली ड्रग्स से रिलेटेड है। हालांकि जब हमारे द्वारा केस रजिस्टर करवाया गया था तो ये केस वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में दर्ज हुआ था। उसके बाद पुलिस को जो भी तथ्य और सबूत मिले उनके उसके आधार पर पुलिस ने अपनी आगे जांच बढ़ाते हुए इसके अंदर जो भी उनको साक्ष्यों के आधार पर पुलिस द्वारा मामले में। तो जो एल्विश का नाम जो शुरुआत में लिखवाया गया था, खैर वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, पुलिस कर रही है, जो शुरुआत में आप लोगों की तरफ से एल्विश का नाम लिखवाया गया था उसके पीछे क्या आधार था सौरभ गुप्ता जी? देखिए कई सारे आधार थे, मैंने आपको बोला ना कि ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, केस डायरी के अंदर सारी चीजें लगी हुई है और सारी चीजें सार्वजनिक नहीं करी जा सकती है क्योंकि अभी इस मामले में ना जांच पूरी हुई है, अभी इसके अंदर कई चार्जशीट फाइल होनी है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी होनी है, तो अभी इस पूरे मामले में कोई भी चीजें हम ज्यादा नहीं बता पाएंगे। पुलिस से भी पुलिस ने भी हमसे यही पुलिस और हमारे बीच बताया था जो जो सब चीजें देखिए हम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को देंगे बजाय मीडिया में देने के, क्योंकि उससे आरोपी अपना बचाव कर सकते हैं। नहीं नहीं वो बिल्कुल आप ठीक करें, तकनीकी उसका सीधा प्रभाव जो है वो ट्रायल पे पड़ता है, तो मैं माफी चाहता हूँ कि ज्यादा कुछ मैं ज्यादा आपको नहीं बता पाऊँ। बाकी जो एविडेंस शुरुआत में जो आप लोगों ने दिए थे, जैसे पीछे हम जिक्र कर रहे थे, करीब आप कह रहे थे करीब 20% के आसपास जो है आपने इस पूरे मामले से जुड़े हुए वो दिए, बाकी पुलिस अभी मैंने आपको बोला है ना जी कि अभी तो हमने हमारे पास जो चीजें थी वो 20% की जहाँ तक मेरा अंदाज है, बाकी तो आगे काम पुलिस कर रही है। 5 महीने के अंदर जो जो चीजें पुलिस ने जुटाई है वो पुलिस का काम है, उसके अंदर कहीं भी पीएफए इन्वॉल्व नहीं है, पीएफए की तरफ से कोई पुलिस के ऊपर कोई दबाव है आप समझते हैं ना, ना किसी और का पुलिस पे दबाव है। पुलिस को हमने केवल एक कुछ सबूतों के साथ हमने पुलिस को एक टिप ऑफ दिया है जिस पर पुलिस अपना पूरा विस्तृत जांच करके काम कर रही है, लेकिन पुलिस को जो लगा होगा उसी के आधार पे पुलिस काम कर रही है। ओके, लेकिन क्या ये टिप इतनी मजबूत है कि क्योंकि देखिए आज की डेट में ठीक है वो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, बड़ा नाम हो गए, सारी चीजें हैं, लेकिन क्या वो इतनी मजबूत है कि हाँ सीधे सीधे वो लिंक बन रहा है या अभी इन्वेस्टिगेशन ही है? कौन बड़ा आदमी है और कौन मजबूत आदमी है और कौन क्या है, देखिए ये कानून से ऊपर ना कोई बड़ा है ना कानून के आगे कोई मजबूत है, इस देश में सबसे बड़ा कानून है, संविधान है और सबसे मजबूत भी कानून ही है, तो कोई भी आरोपी हो अगर उसके खिलाफ कोई सबूत पाए जाएंगे तो उसके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसका कोई देखिए कानून में किसी चीज के लिए कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है जी। जो एक इसको बेल को लेकर भी एक बात हो रही है कि जो बेल जो ग्रांट हो गई एक तरह से देखे तो लगभग सेम डे में हो गई क्योंकि छुट्टियां बीच में थी और उसके बाद जो है कोर्ट की हड़ताल भी थी, तो क्या लग रहा है कि वो उतना मजबूती से पुलिस की तरफ से वो सबूत नहीं दिए? देखिए देखिए आप अगर बेल ऑर्डर पढ़ेंगे, बेल लेना और बेल देना जज के डिस्क्रिशन पावर है और बेल लेना किसी भी आरोपी का अधिकार है। दूसरी बात बेल अगर आप देखेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 2021 की, जिसके तहत ये कहा गया है कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान में बेल दी जा सकती है ट्रायल मजिस्ट्रेट के द्वारा ही, तो यही कारण है कि बेल हो गई। लेकिन शायद इसमें जो जो है वो शायद 6 महीने से 20 साल तक की सजा है? नहीं ऐसा नहीं है जी, 6 महीने से 20 साल तक की सजा किसी में नहीं है, ये 27A के तहत थी, लेकिन जो सेक्शन एनडीपीएस एक्ट के लगे हैं उन सभी के अंदर 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, और मैं आपसे आपको ये सलाह भी दूंगा या आपके माध्यम से और भी सब मीडिया चैनल्स को भी, मीडिया चैनल्स तो हालांकि इसके अंदर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें कहीं भी ऐसा कुछ गलत नहीं चला है, लेकिन हाँ कुछ यूट्यूबर ऐसे हैं जो इधर उधर की अफवाहें फैला रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर ना ही एनडीपीएस एक्ट हटा है ना ही कोई धारा हटी है,
इसके अंदर 27A नहीं था, जो कि शुरू में उड़ाया जा रहा था कि 27A है, एनडीपीएस के सेक्शन है और उसी की तहत कार्रवाई हो रही है। हालांकि देखिए एनडीपीएस की जानकारी मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि हमारा काम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत हम लोगों को जानकारी है। एनडीपीएस एक्ट ये पुलिस का काम है, तो पुलिस ने किया है, लेकिन एनडीपीएस एक्ट नहीं हटा है और बेल कोई कमजोर या मजबूत केस, क्योंकि अभी ये केस ट्रायल पे नहीं आया है, अभी ये केस इनिशियल स्टेज पर है और इनिशियल स्टेज पर हर आरोपी का ये कानूनी अधिकार है कि उसको बेल मिल जाए। और आप देखेंगे अगर बेल ऑर्डर के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट का भी जिक्र है उसके अंदर बेल ऑर्डर में, इसमें लिखा है कि 7 साल तक की सजा के प्रावधान में बेल दी जा सकती है। अच्छा दो चीजें और आखिर में चल चलते, एक तो आपने एक और जो शिकायत दी थी जिसमें हाई कोर्ट ने अब नोटिस किया है आपको जान से मारने की धमकी एलविश की तरफ से, और लाइफ को थ्रेट का भी आपने जो आरोप लगाया था जी, तो वो क्या डायरेक्ट एलविश ने ही ये धमकी दी है या फिर किसी व्यक्ति को भेजा गया था, ये किस तरह से दी? इसके अंदर मल्टीपल थ्रेट्स है नामजद आरोपी के द्वारा भी, और उसके द्वारा चलाए जा रहे कुछ अकाउंट्स द्वारा भी। तो ये सब चीजें हमने हाई कोर्ट की पिटीशन में साक्ष्यों के आधार पर, ये हाई कोर्ट ने पिटीशन दाखिल की है और हाई कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन देते हुए इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है इस पिटीशन को, और इस पर एक विस्तृत जांच करने के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हरियाणा और गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर से भी रिपोर्ट मांगी गई है, और ये रिपोर्ट 4 हफ्ते में मांगी गई है। पिटीशन अभी प्रचलित है और इसके अंदर 18 तारीख को गुरुग्राम पुलिस ने और हरियाणा के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जवाब दाखिल करना 18 अप्रैल। बस एक आखिरी सवाल, ये भी आरोप लगाया जा रहा है आपके साइड पे, आपकी तरफ आपको लगाया जा रहा है कि भी ये सारी सारी चीजें जो एक्सट्रोशन के लिए की जा रही है, एक विक्रम करके व्यक्ति है उनके खिलाफ भी आपने शिकायत की थी, वो भी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाके कह रहे हैं कि भी देखिए मैं किसी को नहीं जानता, पर हाँ ये जरूर है कि कुछ कुख्यात वन्यजीव तस्कर हैं जो इस पूरे मामले में इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, जो कई बार जेल गए हुए हैं। आप जिस व्यक्ति का मुझे नाम बता रहे हैं उस पर क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, क्योंकि कई वन्यजीव तस्कर हमारे द्वारा पकड़ाए गए हैं और कईयों पर कार्रवाई हो रही है, तो जिस व्यक्ति का आप नाम बता रहे हैं मेरे संज्ञान में भी आया था, इस पर 11 मुकदमे दर्ज हैं और ये व्यक्ति कई बार जेल जा चुका है। मुंबई में भी इस पर 4 केस रजिस्टर्ड हैं और कुछ ऐसे केस हैं जो पीएफए या हमारे द्वारा दर्ज नहीं कराए गए हैं, जो लोगों ने दर्ज कराए हैं, कुछ पुलिस ने दर्ज करे हैं, कुछ इंडिपेंडेंट केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। ये व्यक्ति कुख्यात वन्यजीव तस्कर है और इस पूरे मामले में जुड़कर खुद ये लाभ लेना चाहता है। कई बार जेल गया है और मुंबई की कोर्ट से भी इसके वारंट निकले हुए हैं, वहां पर ये पेश नहीं हो रहा है। इस तरह की भ्रामक धारणाएं, ये भ्रामक प्रचार हमारे खिलाफ कर रहा है और अभी इसी तरह का एक प्रचार इसने करा था, उसके ऊपर इस पे शालीमार गार्डन थाने में भी गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ था। ये व्यक्ति फरार है कई केसेस के अंदर, पुलिस इसके पास गई थी और ये अरेस्ट नहीं हुआ। तो इस तरह से इन लोगों के बीच में जुड़कर ये अपनी रोटी या अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। और ये सीधी सी बात वही है कि देखिए हमारा काम है काम करना, हमारी किसी भी निजी किसी व्यक्ति विशेष से कोई दुश्मनी नहीं है। एक वर्कआउट केस हमारे सामने आया था जो हमने पुलिस को दिया है, जिस यूट्यूबर के खिलाफ या जिन लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज हुआ है उन लोगों को मैं पहले से जानता भी नहीं था और हमारी कोई इस मामले में कोई भूमिका पर्सनली किसी से रंजिश निकालने की या कुछ दूर दूर तक अपना हमारी है ना हमारी संस्था की किसी व्यक्ति की है। यही कारण है देखिए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस है, पुलिस इसमें जांच कर रही है, पुलिस ने जांच करके ही ये सब कुछ किया है, इसमें पीएफए का कोई रोल नहीं है। पीएफए द्वारा किसी ने शिकायत दी गई थी जिस पर जांच पुलिस कर रही है, तो अगर अगर पीएफए के ऊपर आप आरोप लगाते हैं तो या कोई भी पीएफए के ऊपर आरोप लगाता है या हमारे ऊपर आरोप लगाता है, तो देखिए उसमें सबसे पहले आरोपों के घेरे में तो यूपी की सरकार और यूपी की पुलिस ही आएगी, क्योंकि पुलिस ही जांच कर रही है और तथ्यों के आधार पर कर रही है। तो कोई अगर आरोप लगा रहा है तो वो लगाता रहे, उन आरोपों से हमें ना कोई फर्क पड़ता है और ना इन चीजों से हमें कोई मतलब है। कई तस्कर ऐसे हैं, कई तस्कर या कुछ ऐसे यूट्यूबर
जो इस चीज का लाभ उठाना चाहते हैं, देखिए उन चीज वो उनका अपना पर्सनल हित हो सकता है, उससे हमें ना कोई फर्क पड़ने वाला है, ना हमारे काम पर उसका कोई असर होने वाला है, और ना इस केस पर केस से उस चीज का कोई मतलब है। कोई भी आरोप लगाता रहे वो उसका अपना हित है। और जिन जिन आरोपियों की जिनकी भी आप बात करा रहे हैं कि बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक जिम्मेदार पत्रकारिता को करते हुए आप उन लोगों का पहले इतिहास निकलवाइए कि वो लोग जो हम पे आरोप लगा रहे हैं उनका अपना निजी इतिहास क्या है। नहीं बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है सौरभ जी, किसी भी तथ्य को समझने के लिए, उसकी गहराई में जाने के लिए वो बातचीत तो ज़रूरी है। इसीलिए हमने भी इसी जिम्मेदारी को समझते हुए आपसे संपर्क किया, क्योंकि पक्ष तो दोनों तरफ के ही बात सामने आने चाहिए। तो एक आखिरी बस सवाल ये कि मतलब जो शिकायत आप लोगों ने दी है, मतलब क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग हैं ये जानना भी चाहते हैं, और जो आपने भी एक बात कही है कि पुलिस अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मतलब बहुत लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि शायद जल्दबाजी में बिगर फैक्ट्स आप लोगों ने चेक किए, जो है वो शिकायत दे अगर दी। पुलिस जल्दबाजी में अगर होता तो पुलिस 5 महीने बाद गिरफ्तारी नहीं करती। तो मैं ये समझता हूँ कि जो लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं वो बहुत ही अनभिज्ञ हैं तथ्यों से, उनको कुछ पता ही नहीं है। क्योंकि जल्दबाजी का मतलब ये नहीं है कि आज FIR में नाम डाला और आज अरेस्टिंग हो गई। इसके अंदर 5 महीने की विस्तृत जांच पुलिस ने की है पहली बार, तो जल्दबाजी का तो कोई मतलब ही नहीं होता। दूसरी बात ये है कि पुलिस जब इस मामले में अगर हमने कोई जल्दबाजी करी होती तो पुलिस क्लीन चिट दे चुकी होती, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि पुलिस ने इसमें गिरफ्तारी करी है, तथ्यों के आधार पर करी है। जिन लोगों को नामजद नहीं भी किया गया था उनकी भी पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, तो उसमें PSA का या हमारा इंडिविजुअल कहाँ से कोई रोल आ जाता है? ये तो पुलिस कर रही है, इसकी जिम्मेदारी, इस पर काम करने का श्रेय तो सब पुलिस का है, PSA का तो है नहीं। तो बाकी अगर इस मामले में चार्जशीट दाखिल हो जाती है तो भी आप मुझसे दोबारा बात कर सकते हैं, और अगर इस मामले में फाइनल रिपोर्ट लगती है, पुलिस नाम निकाल देती है, तो मैं पूरी तरह से इस पूरे मामले में अपने आप को दोषी मानूंगा। तो पहले पुलिस इस पूरे मामले में जांच पूरी कर ले और फिर आप मुझसे दोबारा बात करेंगे, तो मैं बिल्कुल आपके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए हाजिर हूँ। चलिए बहुत अच्छी बात, थैंक यू वेरी मच सौरभ जी। बाकी कुछ और भी होगा तो ज़रूर कनेक्ट करेंगे, और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपकी सहमति से मैं ये ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जी, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुभ नाम क्या बताया आपने? तो ये आप वही ऑडियो एक बार मैंने आपको फिर से सुनाया था, जो नए व्यूअर हमारे साथ जुड़े थे। इसके अलावा रवि भटनागर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। रवि भटनागर जी, आपने जो अभी एक मेरे साथ कुछ शेयर किया है, जिसमें से अभी लेटेस्ट जिस मुद्दे पे हम बात भी कर रहे थे, आपके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है शालीमार गार्डन थाने में, तो चलिए मैं एक बार उसको भी पढ़ के सुनाता हूँ, जो FIR है जो आपके खिलाफ हुई है, जो आपने अभी मुझे शेयर की थी। तो आप भी सुनिएगा कि क्या लगता है कि जो ये FIR लिखवाई गई है इसमें कितनी सच्चाई है। खैर ये काम पुलिस का है, पुलिस जांचेगी कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन हमें क्या लगता है, क्या जो बातों का जिक्र इस FIR में किया गया है, क्या वो कहीं लगता है, कहीं आसपास आती है सच और झूठ के, वो खैर जनता जनार्दन है अपने हिसाब से तय करेगी। लेकिन मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ जो रवि जी ने भी मुझे शेयर की है। ये FIR दरअसल कराई गई है सौरभ गुप्ता जी ने कराई, एक मिनट, गौरव गुप्ता जी के द्वारा दर्ज कराई गई है रवि भटनागर जी के खिलाफ। उसमें वो लिखते हैं, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय, थाना शालीमार गार्डन, जिला गाजियाबाद। महोदय, निवेदन है कि मैं गौरव गुप्ता PFA ऑर्गेनाइजेशन में ऑफिसर हूं। यह ऑर्गेनाइजेशन माननीय मेनका गांधी जी के द्वारा संचालित है, वह न्यूज़पेपर एसोसिएशन ऑफ इंडिया में सीनियर जर्नलिस्ट हूं। रवि भटनागर नाम का एक पशु तस्कर जो सोशल मीडिया के माध्यम से विभिन्न प्लेटफॉर्म पर कई महिलाओं, नामी ग्रामी हस्तियों को फोटोशॉप का आपराधिक इस्तेमाल करके वीडियो व फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उनको बदनाम करता है। ये सभी काम यह रंगदारी मांगने के लिए के उद्देश्य से करता है। यह व्यक्ति हमसे भी रंगदारी की डिमांड करता आ रहा है, जिसकी एवज में हमारी वीडियोज व फोटो को फोटोशॉप करके उनको गलत तरीके से प्रस्तुत करता है। पहले भी यह व्यक्ति कई लोगों के साथ इस तरह का कृत्य कर चुका है, जिसमें इस व्यक्ति के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज है, वह कई बार जेल में भी जा चुका है। कुछ दिन पहले भी यह व्यक्ति हमसे एक व्यक्ति के माध्यम से रंगदारी की मांग कर रहा था। हाल ही में इसने अपने YouTube अकाउंट से कुछ फर्जी वीडियोज बनाए, वह हमें बदनाम करने के उद्देश्य से हम पर अनर्गल आरोप
लगाने लगा। साथ ही सांसद मेनका गांधी जी व उनकी संस्था पीपल फॉर एनिमल पर आए दिन अनर्गल आरोप लगाकर बदनाम करने की साजिश करने का दबाव बना रहा है, जिससे हम उसे 25,000 की रंगदारी दे, 25,000 हाँ, नहीं तो वह इसी तरह फर्जी वीडियो बनाकर हमें बदनाम करता रहेगा। इसके YouTube अकाउंट को खंगाला जाए तो उसमें सभी वीडियो हमसे व PFA संस्था से जुड़े मिलेंगे। हाल ही में इसने बहुचर्चित एल्विश यादव मामले में अपने YouTube ट्विटर अकाउंट पर हमारी फोटो डालकर बोला कि इन्होंने एल्विश यादव को छूटा फंसाया, जबकि नोएडा पुलिस द्वारा अभी जांच प्रचारित है। यह व्यक्ति हमारी छवि खराब कर रहा है तथा हमसे रंगदारी की मांग करता है। इसके खिलाफ थाना करूर महाराष्ट्र में FIR दर्ज है। महाराष्ट्र करूर थाना में अलग अलग जो सेक्शन है उसका जिक्र किया, मुकदमे दर्ज है। व्यक्ति हमारी हत्या कराने के उद्देश्य से हमें गोतस्कर व गाय कटवाने, गोतस्करी में लिप्त होने का बोल रहा है। यह व्यक्ति अपने YouTube अकाउंट पर फोटोशॉप यूज करके वीडियो जो फोटो एडिट करके अपलोड कर रहा है। इस व्यक्ति रवि भटनागर जो कि आपका एड्रेस है, तुरंत मुकदमा दर्ज कर तुरंत गिरफ्तार किया जाए। यह व्यक्ति सबसे वरिष्ठ पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय मेनका गांधी जी के लिए भी अपशब्द बोल रहा है। धन्यवाद। तो ये डिटेल जो FIR आपके खिलाफ जो थी, जो आपने भी शेयर की, तो वो इसमें बहुत, इसमें दो तीन चीजों का जो जिक्र किया गया है कि आपने सेक्शन चेक करिए ना, FIR के कंटेंट और सेक्शन को चेक करिए क्या मैच कर रहे हैं। जी, एक्सटॉर्शन 386 384 होता है सर। जी, डिफेमेशन इसमें नहीं है, 490 500 इसमें नहीं, 509 जबरदस्ती घुसा रखा है, महिला केंद्रित कानून। अरे गौरव गुप्ता कोई महिला थोड़ी है भाई, इन्होंने सिर्फ ये कि मेरी आवाज दबाए, मैं इनके खिलाफ ना बोलूं। जी, तो अच्छा इसमें देखिए, अभी इसी पे डिस्कस करते हैं कि जो आपके खिलाफ जो आरोप लगाए गए हैं उसमें आपका क्या कहना है। इनका ये कहना है कि भी आप जो है इंटेंशनली कि एक्सट्रोशन के इरादे से बार बार जो है इनको डिफेम करने की कोशिश करते हैं, इनके फोटोज और उसको फोटोशॉप पे जाके उसको एडिट करके फिर डालते हैं ताकि 25,000 रुपए आप इनसे रंगदारी ले सके। क्या कहना है इस पर आपका? देखिए तो सीधी सी बात है, कोई भी आरोपी ये नहीं बोलेगा मैंने ये क्राइम किया है। आपसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि एक मुहिम चलाइए, सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, पीपल फॉर एनिमल, रवि भटनागर, एल्विश यादव, मेनका गांधी, गौरी मलिकी, अंबिका शुक्ला, एक इनके खिलाफ SIT बिठा के ना, या तो SIT बिठाई जाए या सीधे ही जांच कराई जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भाई। सर FIR के कंटेंट और FIR का सेक्शन देख लीजिए, उससे पता चल रहा है कि ये फैब्रिकेटेड है। और सर ये करते हैं FIR पीपल, इनका ये कहना है मेरे ऊपर उन लोगों ने FIR कराई, मेरे ऊपर जितनी FIR है सारी की सारी पीपल फॉर एनिमल वालों की करी है, किसी बाहर की कोई FIR नहीं है। और मेरी कंप्लेंट के ऊपर 200 मोटो FIR हुई है सर, सरकार ने स्वतः संज्ञान FIR करी है इन लोगों के खिलाफ, और ये अपनी पर्सनल जाके कराते हैं। और सेम कंटेंट होता है सर हर जगह इनका, जो वाइल्ड लाइफ के जो FIR कराते हैं सेम कंटेंट, बस नाम बदल जाता है, क्राइम की डिटेल बदल जाती है, और इनके मतलब क्रिमिनल का नाम या आरोपी का नाम बदल जाता है, शिकायत करके आता है, बाकी सेम इनका परफॉर्मा बना हुआ पूरे इंडिया के अंदर। तो कोई भी आरोपी नहीं बोलेगा कि मैंने ये क्राइम किया, मैं तो कह रहा हूँ जांच करो, CBI को बुलाओ ना सर। हमारा ये है गांधी जी वाले व्यूअर्स हैं, मैंने अभी जो भी पूरा पढ़ के सुनाया पूरी FIR को, आपको क्या लगता है कि क्या जिस तरह के जो आरोप लगाए गए हैं, अभी हम रवि भटनागर हमारे साथ हैं, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इसमें, कौन सही कौन गलत, ये आप भी कमेंट्स कर जरूर हमें बताएं। खैर अभी जांच चल रही है, पुलिस तय करेगी, न्यायपालिका तय करेगी। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा सर के केस में, एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट, इनका ये कहना की जांच का विषय हम कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है तुम बोल नहीं सकते, तुम्हारे पास फोरेंसिक रिपोर्ट कैसे आई सर? जांच के समय ऑल द पेपर्स आर ऑल डॉक्यूमेंट्स आर वेरी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट, ना वो आरोपी को दिए जाते हैं ना कंप्लेनेंट को दिए जाते हैं। इंडिया न्यूज के यशवंत राणा के पास वो रिपोर्ट थी, फोरेंसिक रिपोर्ट, सौरभ गौरव गुप्ता के हाथ में वो रिपोर्ट थी, कहां से आई सर? मतलब मैनिपुलेशन चल रही है सर, सिंपल सी बात है सर। अभी एक कमेंट आया, कुलदीप भाटी लिख रहे हैं 25K के लिए कोई मेनका गांधी से पंगा लेगा, बेसलेस FIR है। और अभी सुषमा शर्मा जी बोल रही है, तो देखिए मैं वही, देखिए लोगों का भी अपने एक राय होती है, अपनी ओपिनियन होती है, और मेरा जो हमेशा से रहा है और इस पूरे मामले में भी, इस पूरे एपिसोड में भी, हमने अपनी तरफ से कुछ भी कहीं भी कोई चीज को एड ऑन नहीं किया, हमने सब कुछ छोड़ा लोगों के सामने की बेसिकली एक जो राय जो बन जाती है किसी को भी लेकर, देखिए मैं यहाँ किसी के साथ खड़ा हूँ नहीं खड़ा हूँ ये बात नहीं है, हम सही और गलत की बात कर रहे हैं, मैं सच के साथ खड़ा हूँ। वो सच अब कौन है? वो सच एल्विश है, वो गौरव सौरभ गुप्ता है, वो रवि भटनागर है, वो सच कौन है? हम सच के साथ खड़े हैं,
वो कोई भी हो सकता है इनमें से, मैं गलत तो नहीं हूँ रवि भटनागर जी? और नहीं आप बिल्कुल सर, मैं कंक्लूड करने से पहले कुछ बोलना चाहूंगा सर, हमारा जो देश का जो किसी भी देश का सिस्टम होता है तीन तरीके से चलता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिंग एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव हो गए आपके एमपी एमएलए, एग्जीक्यूटिव पुलिस और आईएएस आईपीएस, और जुडिशरी हमारे जजेस। तो जो पहले तो है लेजिस्लेटिव और आपके एग्जीक्यूटिव, एक दूसरे को ओवररूल करते हैं, एक दूसरे को सेट करके सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो हम जो अब जिंदा है ना आराम से शांति इज्जत से, आप में और आम आदमी रह रहा है, वो रह रहा है जुडिशरी की वजह से। तो अब ये लोग जुडिशरी में भी घुसपैठ करके उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं सर, तो ये जुडिशरी को ओवररूल नहीं कर पाते, इसलिए आम आदमी को न्याय मिलता है। लेकिन जो न्याय उसको मिल पाता है जिसके पास पैसा है, अच्छा वकील कर पाए। अगर मेरे पास पैसा नहीं है, झूठे आरोप में अंदर चला गया, बेल कराने वाला नहीं है, मेरी तो जिंदगी वहां कट गई ना सर। अब ये सोचिए ना सर, हमारे देश के अंदर सबसे बढ़िया गांधी जी दे गए, बुरा मत बोलो, तीन बंदर, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, लेकिन बुरा बोलना मना है, मतलब सच्चाई बोलना मना, चाहे वो जितनी मर्जी कर दो, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, ऐसे बैठ जाओ, मगर ऐसे मत करो किसी का, गलत आदमी के खिलाफ। ये क्या है सर? नहीं देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और ना ही ऐसा है कि आप किसी किसी आपके साथ अगर गलत हो रहा है तो आप ना बोलें, आप सही बात को ना बोलें, बिल्कुल बोलें, और बोलना भी चाहिए और पूरे दमदार तरीके से बोलना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये कि सही बात को सही तरीके से बोले, सही बात में अगर कुछ तरीका गलत है तो उसको थोड़ा सा अवॉइड, बस वो है और कुछ नहीं। लेकिन आप रखिए देखिए, सही बात को सही तरीके से बोला जा सकता है, इनकी बात भी गलत, इनकी भाषा भी गलत, तो उसको मैं सही कैसे करूं सर? अगर अभी किसी को माँ की गाली दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो मैं उसे सही कैसे करूंगा सर? नहीं तो लेकिन हाँ वो तो देखिए वो ठीक है, सही करूं सर आप मुझे पब्लिक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन गालियों को बस हमने बोलना नहीं है, बस इतनी चीज है, उसको बस शब्दों का हेर फेर है ताकि हम अपनी बात तो पुलिस वालों को इनकी इतनी हिम्मत, पुलिस वालों को एक धमकी देते हैं तुझे जान से मार दूंगा पुलिस स्टेशन में घुस के, इतनी हिम्मत, और ये कहते हैं हमें मतलब जान का खतरा है। आप इनकी आप डिटेल निकालो ना सर, सौरभ गौरव गुप्ता की नेट के ऊपर, ये नेट पे तो फिर इन्होंने काफी हटवा दिया, मैं आपको देता हूँ सर कोर्ट से, इन्हें फाइन लोगे 28-28 लाख के फाइन, 5-5 लाख के। जल्दी जल्दी दो तीन सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी, ये सारी चीजें इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों के सामने और तस्वीर साफ हो, कि क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है, जैसे अगर मैं अपनी बात कहूँ कि जब मैं देखूंगा अगर कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ जब आरोप लगाएगा तो हमेशा पहला दिमाग में ये बनती है इमेज, अच्छा ये व्यक्ति इतना बड़ा गुनाह करता है, या ये व्यक्ति इतना बड़ा रैकेट चलाता है, या ये व्यक्ति इस तरह के काम करते हैं। लेकिन ये तब तक हमें राय नहीं बनानी चाहिए जब तक हम दूसरे व्यक्ति से बात ना कर ले। तो इसलिए पहला आप ये बताइए, क्या आप कभी किसी तरह की पशु तरफ खुद से तो कोई व्यक्ति नहीं मानता, और ना ही झूठे आरोपों को वो किया जा सकता है, जैसे जो आरोप आप पे लगे कि आप फॉरेस्ट जो एनिमल्स हैं उनकी तस्करी करते हैं, उसको लेकर आपके खिलाफ पीएफए के अलावा भी कई और अलग अलग लोगों ने भी आपके खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे हैं, ना केवल ये तस्करी के बल्कि दूसरे भी। पहला सवाल। नहीं सर, पीएफए ने एफएमएलए पर तस्करी के इल्जाम लगाए और किसी ने, कोई भी जिनमें से किसी और अन्य व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया? नहीं, सौरभ गुप्ता, गौरव गुप्ता, लता परमार, दुर्गा राय, पीपल फॉर एनिमल, और कोई नहीं। ओके, इसके अलावा क्या आपको, आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं कि भी एक्सट्रोशन की आप डिमांड कर रहे हैं सौरव गुप्ता और गौरव गुप्ता से, भी जो एफआईआर दर्ज कराए, इस पर आपका क्या कहना है? सर एफआईआर, जब मैं एक्सट्रोशन मांगूंगा या तो इन्हें फोन करूंगा, या पर्सनली मिलने जाऊंगा, या व्हाट्सएप कॉल करूंगा, मेरे एक स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का भेज दें, कॉल रिकॉर्डिंग भेज दें, या मेरी अपनी फोन की लोकेशन भेज दें, कुछ तो होगा सर। एक्सट्रोशन मांगने के एविडेंस, और 25,000 की एक्सट्रोशन होती है क्या सर? और ये तो वैसे खुद भिखारी है, मतलब करोड़पति आदमी है बहुत, मतलब कम से कम 150 करोड़ के मालिक है, हराम का पैसा कमा कमा के, सीधा बोल रहा हूँ, एनिमल्स का पैसा खाया इन्होंने, लोगों को झूठे केस में फंसाया है सर। मैं यहाँ तक बोल रहा हूँ, इनके हॉस्पिटल जो संजय गांधी हॉस्पिटल के अंदर लड़कियां अपने ब्लॉक्स का इलाज कराने आती है, तो इनका स्टाफ इतना गंदा है ना, देखता है कि कौन साइकोलॉजिकली कमजोर है, तो उसके कहते तेरे डॉग को मार देंगे फिजिकल होने के लिए। सर इतने घटिया लोग हैं ये लोग। मैं आपको संजय गांधी हॉस्पिटल की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ सर। तीसरा और एक और तीसरा सवाल मैं आपसे यहाँ पूछ रहा हूँ कि जो जिक्र हुआ एफआईआर में कि आपने वीडियो एडिट करके फोटोशॉप में उनको एडिट करके डाला है किसी के को भी बदनाम करने के लिए, उसके इमेज को खराब करने के लिए। ठीक है सर, आप रिपोर्टर हैं, आप भी वीडियो एडिट करते हैं प्रेजेंट करने के लिए, मतलब क्रक्स में नहीं, कोई चेंज नहीं क्या? वीडियो एडिट मैंने कर रहे हैं, जैसे फालतू चीजें उसमें हटा दी, इनकी फोटोज मतलब जो आई स्केचिंग पब्लिक के बचाने, जैसे मशहूर आदमी को सब जानते हैं, ये देखो कितना अच्छा काम करता है, बदनाम गुंडे को भी लोग पहचाने ना, तो इनकी शक्लें अलग अलग तरीके से जो फोटो थी इनकी, वो मैंने उसमें एडिट करी कि हाँ ये इस तरह से दिखते हैं, मतलब चश्मे में ऐसे, तो वो फोटोशॉप नहीं, वो एडिटिंग है सर। लेकिन जो क्रक्स है ना सर, वो क्रक्स उसमें किसी का भी कोई नहीं है, मतलब आपने छेड़छाड़ नहीं की किसी भी तरह की, जिससे कि उसका संदर्भ बदले, प्रेजेंटेबल बनाया, प्रेजेंटेबल, जैसे आप भी अपनी न्यूज प्रेजेंटेबल बनाते हैं।
अभी तो अपनी न्यूज प्रेजेंटेबल बहुत बनाने के लिए करते हैं ना सर, इस तरीके से सारी फिल्में बंद हो जाएंगी सर, बननी फिल्म भी नहीं बन रही, उसमें भी एडिटिंग होती है, फोटोशॉप होती है सर। तो आप न्यूज बनाते हैं, आप न्यूज में भी करते हैं सर, जी न्यूज आई एच तक कोई भी चैनल हो, सब फोटोशॉप यूज करता है सर, और फोटोशॉप एक टूल है सर। मैं कह रहा हूँ सर, एक नहीं, सीबीआई की इंक्वायरी बिठा दीजिए सबके खिलाफ, बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पूरी पीपल फॉर एनिमल एंटी नेशनल है, मैं बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से बार बार कह रहा हूँ, आप इसको रिपोर्ट करके सर 100 बार चलाइए, 10 बार चलाइए, 50 बार चलाइए, मैं 1 इंच पीछे नहीं हटने वाला, एविडेंस मेरे पास पूरी है, जो मतलब सर अगर सामने आप बैठे तो सर मैं इस मामले में यशवंत राणा जी को फोन किया, इंडिया न्यूज वालों को, इंडिया टीवी के वालों को, जो इन्होंने इनका बोर्ड चलाया कि मेरे को इनके साथ मतलब ऑनलाइन ले लो, क्योंकि पर्सनली जाऊंगा तो ये मेरे हाथ पर तोड़ के अजान से भी मार सकते हैं, घटिया लोग, ऑनलाइन नहीं लिया आप स्टूडियो ही आओ। बाद में कहते हैं एल्विस के लिए तो मैं कन्वेंस हूँ कि उसने क्राइम किया है, फिर बाद में मुझे आतंकवादी बोल रहे हैं, और फिर इनके वो न्यूज़पेपर एसोसिएशन के विनोद गौर जी कहते हैं भाई हमारा तो ऐसे ही चलेगा, हम तो अपना ऐसे ही अपना नेक्सस चलाते हैं। मतलब आपने एक एसोसिएशन बना लिया, एक वीकली न्यूज़पेपर बना लिया, और आप उसके वो बन गए क्या कहते हैं पत्रकार, उसके बाद सबको ब्लैक मेल करो, ये कौन सा तरीका है सर? पत्रकारिता के भी कुछ आयाम होते हैं, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हो सर, तो उस चौथे स्तंभ को तो मजबूत रखना है ना सर, डेमोक्रेसी को हमने, तो यहाँ पे तो डेमोक्रेसी खत्म करते जा रहे हैं, जो पावर में है उसी की चलाओ, बाकी की छोड़ दो। चलिए, बहुत तो बहुत यहाँ पे शुक्रिया बहुत सारे रविवर्मा सवाल जी। रखे हैं। मैं इस लाइव के बाद में एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो सारा का सारा हम अभी लाइव कर रहे थे। एक अलग से डिटेल में आपके साथ और इंटरव्यू करूंगा इस लाइव के बाद, आधा एक घंटे बाद हम फिर से एक बार कनेक्ट होंगे, वो रिकॉर्डेड होगा, उसको बाद में जो है हम पब्लिश करेंगे अपने बाकी व्यूवर्स के लिए, ताकि और ज्यादा क्लैरिटी रहे, क्योंकि अभी हम बहुत सारी और बातें भी इसमें कर रहे थे, बहुत सारी चर्चाएं भी कर रहे थे, और चूंकि ये अभी लाइव है तो इस लाइव को भी आप बने रहिए। अभी रवि भटनागर जी हमारे साथ बैठे थे, अपना पक्ष, क्योंकि देखिए तमाम लोगों का पक्ष आना बहुत जरूरी है, उसी से बाकी एक राय बनती है, क्लैरिटी आती है, तस्वीर जो धुंधली है वो साफ दिखने लगती है। तो हमारी कोशिश ये है कि मैं इस आपको काफी लोगों पूरे के केस नंबर से देता हूँ, जुड़े उनसे क्लियरिटी लीजिए, किन काफी के लोगों के नंबर, आपको नंबर दूंगा, काफी लोगों के मैं भी इनकी जो आप विक्टिम है, काफी विक्टिम्स हैं, उनके मैं नंबर देता हूँ, नहीं, क्लियरिटी हमने लीजिए सर। हम सर जब बिल्कुल आप सरकार नंबर इनके दीजिएगा। विक्टिम है सर, सर आप एक बात बताइए, वन विभाग से आप पूछ लीजिए, तुम्हारे क्या मतलब एक प्राइवेट आदमी को प्राइवेट पार्टी का एफआईआर करने का राइट है वाइल्ड लाइफ के अंदर? नहीं है सर, सिंपल सी बात है, आप वाइल्ड लाइफ एक्ट पढ़ लीजिए सर। इवन सर एनिमल क्रुएल्टी का केस भी नहीं डालने का राइट नहीं, अगर रूल से चला जाए तो, मतलब वो भी प्रॉपर्टी है, एनिमल इज जस्ट प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी सर, एनिमल मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, जो आम कुत्ता गाय भैंस है ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये वाइल्ड लाइफ जो है ये स्टेट की प्रॉपर्टी है और ये प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर स्टेट ही एफआईआर करेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एल्विश के ऊपर, मेरे ऊपर, किसी पे भी इन्होंने वाइल्ड लाइफ की प्राइवेट पार्टी, जरूरी नहीं सौरभ गौरव गुप्ता पीएफआई हो, किसी भी प्राइवेट पार्टी ने किसी पे भी केस डाला था वो नल एंड वॉइड है, इसमें वाइल्ड लाइफ ऑफेंस रिपोर्ट होती है, काफी सर इसमें फॉर्मेलिटीज होती है, अगर आप पेपर पढ़ेंगे तो सर कम से कम 544 पेज का प्रोटोकॉल है वाइल्ड लाइफ का, ये तो सारे प्रोटोकॉल तोड़ के भूल जाऊंगा। सौरभ गौरव गुप्ता है कौन सर? अच्छा सर इसमें लगाया एल्विश के ऊपर 120 भी, सर एक बात बताइए, सोपेरो से कॉन्टेक्ट किसने किया? सौरभ गुप्ता ने। हॉल बुक किसने किया? पीपल, सौरभ गौरव गुप्ता ने, पीपल फॉर एनिमल ने। तो 120 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किसकी हुई सर इसके अंदर? एल्विश वहां पे मौजूद था, या जब इन्होंने कछुआ पकड़वाया तो मैं मौजूद था, मेरा फोन की डिटेल या मतलब आरोपी की कोई डिटेल निकली? मतलब सर वाइल्ड नहीं, लाइफ वो में तो है, खुद जब ही भी मान रहे किसी हैं कि उनके आरोपी, पास सिर्फ 20% ही सबूत थे। सर उनके पास 1% भी सबूत नहीं थे, वो सिर्फ हवा में चलते हैं। उसके बाद मेनका गांधी का फोन आता है, मैंने आपको कोर्ट का ऑर्डर भेजा जिसमें जज ने साफ साफ लिखा हुआ है कि आईओ ने हमें बताया कि वो मेनका पीपल फॉर एनिमल के चेयरपर्सन के इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहा था। आप देखिए वहां से फोन आता है सर कि तू ये कर दे नहीं तो तेरी नौकरी खा जाऊंगी, तेरा ट्रांसफर करा दूंगी पहले बेटा, नहीं तो फिर बाद में अच्छे से चलाती है सोचा वो, तो मतलब सर ये इनका एक एनिमल से मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा बिजनेस है इंडिया में, चाहे वो स्टेट डॉग्स का हो, चाहे वो काउस का हो, चाहे वो फेलोज का हो, ये बहुत बड़ा एक नेक्सस चल रहा है, इसके अंदर अगर सरकार जाएगी तो हजारों करोड़ की नहीं सर, लाखों करोड़ के अंदर ये फ्रॉड्स हैं सर। ये फिगर मैं आपको देता हूँ सर, इनकम टैक्स रिटर्न आप उसको पढ़ लीजिएगा, आपके आंखें खुल जाएंगी। सर आप एक बेसिक नॉलेज से मुझे बताइए, क्या एफसीआर है जो फॉरेन फंडिंग आती है किसी भी एनजीओ का, क्या वो फिक्स डिपोजिट कर सकता है? हाँ या ना सर, एफसीआरए की फंडिंग फिक्स डिपॉजिट की जा सकती है? हाँ या ना? नहीं, जहां तक मेरी जानकारी शायद नहीं है। नहीं की जा सकती ना सर, इन्होंने 9 करोड़ रुपए फिक्स डिपॉजिट की उसके में कर रखा है सर एफसीआरएफ एफडी।
एक मनोज ओसवाल नाम के पुणे के एक हैं एनिमल एक्टिविस्ट कह लो, वैसे वो भी मतलब इन्हीं की तरह, उसको मेनका गांधी 40 लाख रुपए देती है। कोई पालुरकर नाम की एक लेडी है, उसकी लैंड, उसका शेल्टर ग्रेप करने के लिए, क्योंकि 200 करोड़ की जमीन है और उसका कोई वारिस नहीं है। एविडेंस मेरे पास है कि 40 लाख रुपए मतलब जो है मनोज ओसवाल को ट्रांसफर किए गए। गाजियाबाद में कोई पीएफए नहीं है, इसलिए गाजियाबाद की पेमेंट जो है मेनका गांधी की एनजीओ 16 DCM रोड पीएफए में जाती थी, जब ये एबीसी का सेंटर चलाते थे, पूरा इल्लीगल है। तो सारी एविडेंस मेरे पास, मेनका गांधी के साइन है, अंबिका शुक्ला के उस पर साइन है, उनके सीए की मोहर लगी हुई, वो इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपीज मेरे पास है सर। कुछ हवा में मैं नहीं बोल रहा, जो बोल रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंस झेलने को तैयार हूँ लीगली। ज्यादा से ज्यादा ये एफआईआर करेंगे, मैं अरेस्ट होऊंगा, बेल लूंगा, लेकिन सर मेरी आवाज तो आप नहीं रोक पाओगे। अगर ऐसे नहीं नहीं होता तो सर बिल्कुल हम बिल्कुल आजाद नहीं होते। भगत सिंह वगैरह जो है ना सर, एक समय वो भी आतंकवादी थे, तो आज हम इन्होंने हमें वो बना दिया, कहते हैं स्मगलर। कोई बात नहीं सर, लेकिन वक्त आएगा सर, और जब फैसला होगा कि कौन सही है कौन गलत है। हालांकि इनके खिलाफ काफी फैसले हैं, लेकिन सर वही है कि जैसे दाऊद इब्राहिम के आप 100 पंटर मार दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मरता है मरने दो, मेरा तो डॉन चल ही रहा है ना, मेरा मतलब माफिया। तो ऐसे इनका 100 केस मतलब हार भी गए तो क्या फर्क पड़ता है, 10 केस हार गए, बाकी पैसा तो आ रहा है ना सर। जो आदमी मेहनत करके नहीं कमा सकता और जिसकी जिंदगी लेविस तरीके से जीने की आदत है, वो गलत काम भी करे। चलिए रवि जी, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करेंगे, एक डिटेल इंटरव्यू आपके साथ हम जरूर रिकॉर्ड करेंगे, और अभी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ रवि भटनागर जी थे, तो हमने उनका पक्ष भी सुना है। इससे पहले जो सौरभ गुप्ता से बातचीत हुई थी, करीब 17-18 मिनट की वो पूरी कॉन्वर्सेशन है, एज इट इज हमने वो भी आपको सुनाई, ताकि हर चीज हर पहलू को आप भी अच्छे से समझें कि कहाँ लगता है कितनी चीजें सच्चाई के नजदीक है नहीं है। बाकी खैर अभी पुलिस इसमें जांच कर रही है, कोर्ट ने इसमें फाइनल डिसीजन देना है, क्या गलत है इसमें, क्या सही में एल्विश इस पूरे मामले में आरोपी है, क्या उन्होंने ऐसा कोई गुनाह किया है, या फिर ये कोई साजिश है जिसके तहत फंसाया जा रहा है। तो ये दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन उससे पहले जिस तरह से जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, उस पूरे घटनाक्रम में किसी को भी ये प्रेजेंट कर देना, ये बताना शुरू कर देना कि ये तो सबसे बड़ा गुनहगार है, ड्रग डीलर है, इस चीज के हम खिलाफ है और लगातार हम सच्चाई के साथ खड़े हुए हैं, और ये सच्चाई कोई भी हो सकता है। हम बिल्कुल न्यूट्रल यहाँ पर चल रहे हैं, ताकि आपको एक एक अपडेट, एक एक चीजें, एक एक बात जो है स्पष्ट तरीके से लाकर हम दिखा सके। और बहुत सारे आप ही में से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि हम रवि भटनागर जी से भी बातचीत करें, उनका भी इंटरव्यू लें, तो हमने क्योंकि पीछे होली की छुट्टी थी इस वजह से कनेक्ट नहीं कर पाए थे, परसों वो भी बिजी थे, रात काफी हो गई थी, तो आज हमने तय किया कि आज हम उनसे जरूर कनेक्ट करेंगे, और हमने उनके साथ पूरी बातचीत की, सारी चीजों को आपके सामने रखवाया। कुछ लोगों का मैसेज है, राज भाई उनको भी बोलने दीजिए, क्या बातें काट क्यों बातें कर, देखिए मैं बातें नहीं काट रहा था, कारण यह है कि कोई आप जब सवाल करते हैं तो उसी सवाल में कोई बात अगर निकलती है तो वो जरूर पूछ लेना चाहिए, कई बार उनके संदर्भ बदल जाते हैं, तो उसको ठीक तरीके से वो करने की कोशिश थी, क्योंकि अगर बातें ही काटनी होती, कोई बातें सुननी नहीं होती या सुनने देनी नहीं होती, तो फिर मैं उनको कनेक्ट ही नहीं करता, इसलिए मैं लेकर आया। और उनके साथ अभी एक डिटेल इंटरव्यू भी हम रिकॉर्ड करेंगे, जो कि हम कोशिश करेंगे आज ही पब्लिश करें, और बाकी जो सौरभ गुप्ता से जो बातचीत हुई थी उसका भी जो पूरा वीडियो मैं अभी कुछ देर बाद, उम्मीद करता हूँ 1-1.5 घंटे बाद आपको देखने को मिलेगा, आप वीडियो सेक्शन में जाके उसको भी देख सकते हैं। बाकी अभी हम लाइव स्ट्रीमिंग के साथ चल रहे थे, और मैं उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों की होली बहुत अच्छी रही होगी, इसी तरह से आप लोग खुश रहिए, मजे में रहिए, और जितनी भी नेगेटिविटी है उससे दूर रहने का काम कीजिए। और आपके साथ हर रोज मेरी कोशिश होगी कि 1 घंटा मैं जुड़ूं, आज लेकिन बातचीत का दौर ऐसा हो गया कि जो 1 घंटा था उससे भी ज्यादा, 1.25 घंटे से ऊपर का ज्यादा समय जो है हमने लिया, लेकिन क्योंकि मन नहीं करता जब आप लोगों के साथ एक बार कनेक्ट कर जाए, तो वो एक कोशिश रहती है। तो आप लोगों को हमारी रिपोर्टिंग कैसी लग रही है, कैसी नहीं लग रही है, अच्छी है बुरी है, अच्छे तरीके से जरूर हमें बताइएगा, ताकि हम जो है अपने आप को भी ठीक करें। सर यू इन्वेस्टिगेट दिस केस फुली, बिल्कुल रमन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम इसको और डिटेल में जाके इसको इन्वेस्टिगेट करें, एक एक फैक्ट्स जो आपके सामने लाने की कोशिश करें, जो कि किसी भी हाल में केस के ऊपर फर्क ना डालते हों, तो उसको भी हम ध्यान में रखते हुए चीजों को कर रहे हैं। और कोशिश होगी इस प्लेटफॉर्म से, हम किसी को बदनाम करने की हमारी कोशिश नहीं है, हम किसी को ना बदनाम करना चाहते हैं, जो जैसा है वैसा का वैसा आपके सामने ला कर रख रहे हैं, आपको जैसा जो है वैसी की वैसी चीजें ला कर दिखा रहे हैं, हम उसमें अपनी तरफ से 1% रत्ती भर भी एड ऑन नहीं कर रहे हैं। कहीं भूल चूक वश अगर ऐसा कुछ हो भी गया हो हमसे या हो जाए, तो उसके लिए अभी से हम माफी मांगते हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम सारी चीजें डिटेल में दें। सेंड योर
रिपोर्टर्स एंड डू ऑल रिसर्च. हम जी हाँ बिल्कुल उस पर लगे हुए हैं, और जब कोई भी चीज़ आप इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो फिर उसमें धीरे धीरे चीज़ें बाहर आती हैं. वो धीरे धीरे जैसे जैसे आती रहेंगी मैं आपके साथ शेयर करता हूँगा. लेट्स नो द अदर साइड ऑल्सो. बिल्कुल देखिए मैं सारी साइड्स को ट्राई कर रहा हूँ. रमन जी कह रहे हैं मीडिया ने तो एक ही आदमी को ही गुनहा गुलिया पता नहीं क्या लिख रहे, गुनहगार बना दिया. मैं इसको इस तरह से पढ़ लेता हूँ. देखिए वो नहीं करना चाहिए कि आप किसी एक व्यक्ति को ही गुनहगार बना दे एजेंडे के साथ. अगर FIR दर्ज हो भी गई है किसी के खिलाफ, अगर वो अरेस्ट हो भी गया है, तो अभी आरोप तय नहीं हुआ, अभी फैसला नहीं आया, तो तब तक के लिए इंतजार हमें करना जरूरी है. वो हमने किया. और हाँ अच्छा गुनहगार ही लिख रहे हैं. हाँ रमन जी मैंने ठीक पढ़ा उसको. तो इसीलिए कुछ लोग जो कह रहे थे कि मैं बात काट रहा हूँ, तो कई बार क्या होता है कि हम जल्दबाजी में कुछ चीज़ें बोल रहे हैं, हम हमसे भी हो जाते हैं, तो बातचीत का संदर्भ बदल जाता है. हम कहना कुछ चाह रहे होते हैं और लोग उसको समझ कुछ और लेते हैं, तो इसलिए बीच बीच में वो चीज़ें करेक्ट करनी होती है. तो मेरी भी कहीं कोई बात हो तो जैसे आप बताते रहते हैं, करेक्ट करते रहते हैं, तो वो भी करते रहा कीजिएगा. और आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगता है. ये प्यार भरोसा ऐसे ही बनाए रखिएगा ताकि आपके सामने हमेशा हम सच्चाई को लेकर आ सके. और चैनल को भी भर के प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. दूसरे जो सिर्फ एल्विश वाले ही वीडियो को मत देखिए, बाकी वीडियो को भी थोड़ा सा देख लिया कीजिए. उस पर भी हम लोग मेहनत करते हैं ताकि और भी हम अच्छे से काम कर सकें, क्योंकि रिपोर्टर जी को बड़ा बनाना है, रिपोर्टर जी को आगे ले जाना है, तो उसमें आप लोगों का सहयोग, प्यार, भरोसा चाहिए होगा. क्योंकि अब आप भी रिपोर्टर जी का एक परिवार हैं, और इस पूरे परिवार की जिम्मेदारी है हर चीज़ को बेहतर तरीके से करना. जितने भी विक्टिम थे सर, सबका इंटरव्यू लीजिए. बिल्कुल रमन, मैं अभी बात करूंगा. आप लोगों के पास भी कोई कांटेक्ट या कुछ नंबर हो तो प्लीज मुझे शेयर कीजिएगा. हम बात करेंगे, सभी से बात करेंगे. हमारा कोई एजेंडा नहीं है, किसी के खिलाफ एजेंडा नहीं है, और ना ही किसी के पक्ष में एजेंडा है. हम सही बात को लाकर आपके सामने रखने की कोशिश करें, जो व्यक्ति जैसा कहेगा. हाँ बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि हम सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे, गलत शब्दों से बचेंगे, और किसी को भी गलत तरीके से डिफेम करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए और ना ही हम करेंगे. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. जय हिंद. और फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी. और जो ये इंटरव्यू है कुछ ही देर में आपके लिए, मैं पूरा ये जो इंटरव्यू जो सौरभ गुप्ता से बातचीत है वो भी मैं अभी कुछ देर में अपलोड करूंगा. और रवि भटनागर जी के साथ भी एक डिटेल इंटरव्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो बातचीत थी हम लाइव उनके साथ कर रहे थे. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया. खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए, और लाइफ में टेंशन तो लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं. और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब.